जनरल मेंबर के हिसाब से मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोगों के साथ मैं टच में रहूं, एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब से इस संडे से, अब जितना भी संडे आने वाला है, हर संडे ही हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह का फ्री सेशन कंडक्ट करवाएंगे, वो भी 2 hours का, नॉट ओनली 1 hours बट 2 hours. यस, ये अगर पॉसिबल होगा तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो टाइम कैसे चले जाता है समझ ही नहीं आता, राइट? सो बहुत अच्छी अच्छी बात. और क्या करेंगे हम लोग इस वीक में, तो जैसे कि ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अफर्मेशन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, राइट? सभी हम लोग अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीवन. संगीता जी, मोनिका जी, अनु जी, हेतल दिशिया, सभी कर रहे हैं. आकांक्षा, अब जो आप लोग अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चीजें आज आप लोग और ऐड करेंगे, ठीक है? और ये बता दें कि ये हेल्थ से रिलेटेड क्यों रहा. पहली बात कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर हेल्थ सेशन करवाएं, तो वो रिक्वेस्ट को पूरा किया गया. दूसरी बात, क्योंकि ये इस वीक में हम लोग हेल्थ को लेकर प्रैक्टिस किए, तो हमारा सेशन हेल्थ के ऊपर हो रहा है. अब जो नेक्स्ट वीक आएगा, यानी कल से, यानी कल मंडे से, अब जो हम लोग सेशन करने, अब जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो मनी के ऊपर करेंगे, राइट? किसके ऊपर करेंगे अफर्मेशन प्रैक्टिसेस? मनी के ऊपर. और मनी के ऊपर जो प्रैक्टिसेस करेंगे, इसमें हम लोग लास्ट नेक्स्ट संडे जो आने वाला है उसमें हम लोग का जो फिर सेशन होगा, फ्री सेशन, वो मनी के ऊपर होगा. यानी आप लोगों को पूरा वीक प्रैक्टिसेस के अंदर से जाना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस आप लोग करना पड़ेगा, और एक फाइनल टच, एक फाइनल आउटपुट हम लोग इस तरह के फ्री सेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे. और कुछ उसमें और पावरफुल टिप्स आप लोगों को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग अबंडेंस को, अपने हेल्थ को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को और बूस्ट कर सकते. मुझे, मैं ये समझ सकता हूं कि हर किसी के लिए पेड सेशन पॉसिबल नहीं, राइट? और यही रीजन है कि हम लोग अब से ये पॉसिबल आप लोग के लिए कर रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग, आप लोग, हम हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. इवन श्रिया भी सोचती रहती है, इवन हमारे और कुछ मेंबर हैं जो अभी आप लोग सुनेंगे, उन लोग भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए सीरियस रहती है, सोचते रहती है, इवन अपना इनपुट, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करती है कि सर अगर ऐसा किया जाए तो आई बिलीव कि मेंबर्स के लिए अच्छा होगा. तो आई रियली ग्रेटफुल फॉर देम ऑल्सो, उनके इंस्पिरेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. और आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जस्ट वीक में एक दिन अगर आप लोग के लिए सेशन रखा जा रहा है, जस्ट कोशिश करें आप लोग अपने लिए एक, अपने लिए जस्ट एक घंटे के ही सही, लेकिन अपने लिए टाइम निकालें. और जितने लोग आज टाइम निकाले, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. इतनी देर तक हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जितने लोग YouTube में देखेंगे, देखिए एक बार बताते चले, ये वीडियो अभी YouTube में लाइव नहीं हो रहा है, लेकिन यस, ये सेशन कल डेट रूम में लाइव हो जाएगा. तो जो मेंबर्स हमारे आज ग्रुप के, जितने मेंबर्स आज ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि आज संडे है, सभी का बिजी डे रहता है, वैसे तो वर्क डे को हम लोग बिजी डे समझते, लेकिन संडे उससे ज्यादा बिजी रहता है, राइट? क्योंकि हमारे कुछ मेंबर से अभी जब जस्ट बात हुई तो वो बोल रहे थे कि सर कुछ गेस्ट आ गए हैं तो अभी हम अटेंड नहीं कर पाएंगे. सो नो इशू, दैट इज व्हाई ये सेशन जो हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैंने दो पार्ट कर दिया. एक पार्ट अभी हम श्रेया के कर दिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाने से भी हम लोग, अरे इतना बड़ा सेशन तो ये देखने का एक मूड ही चले जाता है, राइट? दैट इज व्हाई हम उसको सेग्रीगेट कर दिए, पार्ट कर दिए. पहले वाले पार्ट हम श्रेया वाला रख दिया, ये वाला पार्ट हमारा चलेगा, उसके बाद फिर एक थोड़ा सा पार्ट हम रख देंगे, क्योंकि ताकि आप लोगों को ईजी हो, राइट? तीसरी बात याद रखिए आप लोग, कि आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है ये सेशन, ठीक है? आप लोगों का इम्पोर्टेंस को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों के कोर पावर को आप लोगों तक दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जताने के लिए, और ये रियलाइज करवाने के लिए कि दोस्त आप लोग बहुत खास हैं, आप लोगों के अंदर वो यूनिक पोटेंशियल है, आप लोगों के अंदर वो पावर है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं. कल ही हम लोग सेशन में बात कर रहे थे कि हम लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा गुरु मिल जाए, या कोई बड़ा हीलर मिल जाए, या कोई ऐसा कुछ चमत्कार हमारे साथ हो जाए कि मेरा भाग्य खुल जाए. दोस्त एक बार आप लोगों को बताते चले कि आप लोगों का भाग्य खुला हुआ ही है, भाग्य का वो सारा संपद, सारा एसेट, सारा अबंडेंस आपके पास ही है, बस आपको उस चाबी की जरूरत है, जिस चाबी से आप उसे खोलोगे. ये आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ये ठीक ऐसा ही है कि आपके घर में करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन उसका मैप कहीं गुम हो गया है. यानी आपके दादा या परदादा ने आपके लिए बहुत सारे संपत्ति छोड़ रखा है, बहुत सारे संपत्ति छोड़ गए हैं, लेकिन आपको वो कहाँ रखे हैं इसके बारे में आपको नहीं पता है, राइट? और वही संपत्ति दिलाने वाले काम हम लोग कर रहे हैं. यानी हम लोग एक मीडियम है आपके लिए दोस्त, हम लोग आप लोगों को, आप लोगों को, आप लोगों के ट्रू
पोटेंशियल के साथ, आप लोग के ट्रू फायदे के साथ, ट्रू आप लोगों के पावर के साथ कनेक्ट करवाएंगे कि जब आप लोग समझोगे, जैसे आप लोगों ने देखा हमारे सिया को, जैसे अभी और भी मेंबर्स को आप लोग देखोगे, अभी हम कुछ मेंबर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और अपने बारे में थोड़ा बताएं कि लास्ट उन लोग सेशन कर रहे हैं, सेशन में जुड़ के उनको क्या फायदा मिला, क्यों जुड़े रहे हैं सेशन से, क्या उनको बेनिफिट हुई, तो ये जान के आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। और ये बात याद रखें, जिनके लिए अभी पैसे के साथ या मनी के साथ चैलेंज है, तो ये बात याद रखिए, दिमाग में ये मैसेज नहीं देना है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम सेशन नहीं कर सकते। तो ये बार बार मैसेज देना, आप अपने आप को जोन में ही फंसा के रख रहे हैं, उससे आप बाहर नहीं जा पा रहे। आपको इस तरह से सोचना है कि जो अभी मिल रहा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। सबसे पहली बात तो ये आप सोच लें, जो अभी मिल रहा है इस सेशन के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, इस सेशन में जो विजडम मिला उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, यूट्यूब से जो विजडम मिला उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कहीं से कोई कोट पढ़ के अगर आपको नॉलेज में आपका गेन हो रहा है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल है, अगर आपके बुक्स पढ़ के आपको अगर अच्छा लग रहा है तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रेटफुल होते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा बड़े बड़े चीजें आपके लिए खुलते चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारी मनीषा राठी जी हैं, जिन्होंने एक बार मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार मुझे अलाउ करेंगे अपने बारे में वो बताना चाहती हैं, तो कुछ बताएंगे। इवन यहाँ पर हमारे कुछ प्राइम मेंबर्स भी हैं, जिन लोगों को मैंने बताया है, उन लोग आएंगे आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और ये आज का जो स्लोगन है, क्या स्लोगन है, सब अपने अपने चैट में थोड़ा लिखे, देखें देखना चाहते हैं कितने लोगों को आज का स्लोगन याद है। टेक ए गुड केयर सेल्फ, ये हाईलाइट है राइट, लेकिन एक स्लोगन मैंने दिया है आज आप सभी के लिए। कितने लोगों को आज का स्लोगन याद है? फिट रहो फिट दिखो। यस, ये स्लोगन भी ना अचानक से मेरे दिमाग में आया, और ये क्यों होता है आप लोगों को बताते चले, ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप होपोनोपोनो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं ना, आपको इसके लिए कोई अलग से फोर्स नहीं करना पड़ रहा अपने माइंड को कि अरे शाहरुख आपको अफर्मेशन देना है, आपको आई लव यू आई एम सॉरी कहना है, आपको फॉरगिवनेस करना है। जब आपको आपका लेवल इस लेवल में पहुंच जाए कि आपको इफर्टलेस भी आप इन चीजों को कर रहे हो, देन आप एक ऐसे इंस्पिरेशन के जोन में रहते हो जहां हर वक्त आपके लिए इंस्पिरेशन आ रहा है, बस यू हैव टू जस्ट ग्रैब इट, आपको बस उसे पकड़ना है, उसे एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे ही आज जब मैं अपना आज के पोस्ट का मैं बैनर बना रहा था, तो मुझे अचानक से एक स्लोगन याद आया, फिट रहो फिट दिखो। एक कितना शॉर्ट स्लोगन है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं कि हमारे लिए फिट रहना कितना जरूरी है। जस्ट सोच के देखे ना, अगर आप फिट नहीं है आप इस सेशन को ज्वाइन कर पाते? नो। अगर आप फिट नहीं है तो आपके मोबाइल में डाटा हो, मोबाइल में सब कुछ हो, फिर भी आपको मोबाइल देखने की जरूरत दिल नहीं करता है। ये बात मैं बहुत पहले बताया करता था कि अगर आप फिट नहीं है और आपके पास आपकी पसंद की सारी चीजें रख दिया जाए, फिर भी आप किसी भी चीज को नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन ही अच्छा नहीं है, आपका बॉडी अच्छा नहीं, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, राइट। आपके आप फिट नहीं हो, आपका पसंदीदा खाना आपको लाके रख दिया जाए, तब भी आप खाना नहीं खाओगे, क्योंकि मुंह आपके मुंह का स्वाद जो है राइट, आपका स्वाद चेंज हो चुका होगा बिकॉज आप फिट नहीं हो। तो फिट रहने को हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, राइट। प्रायोरिटी हम लोग नहीं देते हैं फिट रहने को। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे हमारे लिए सबसे जरूरी है काम करना, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फैमिली को देखना, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को संभालना। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सोच के देखें इन सारे चीजों में सबसे ज्यादा कौन मेन है। एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए ट्रिक रख रहा हूँ, आप लोग आंसर करने चैट बॉक्स में। एक मैं सिनारियो रख रहा हूँ, लेट से सपोज एक माँ है जिसकी 2 साल की बच्ची है, ठीक है, और वो बच्ची अभी एक उसके बच्ची सोई हुई है, और वो माँ अपने घर में अपने एक ससुर के साथ अपने इन लॉ के साथ घर में रहती है, और उसी वक्त उनके घर में कोई कॉलिंग डोर बजाता है और कॉलिंग डोर में कोई उनके लिए वेट कर रहे हैं, और वही माँ एक साथ 5 चीजों को संभालना पड़ेगा। यानी इधर उनके ससुर जी उनको बुला रहे हैं कि बहू मुझे चाय दे जाओ, उधर उनकी बच्ची उठ गई है, बच्ची रो रही है, और इधर वो दूध को मिल्क को अपने ओवन में या अपने अपने गैस सिलेंडर में, कह लीजिए गैस में, वो गर्म कर रही है, ठीक है। इधर दूध फूट रहा है या मिल्क फूट रहा है, और इधर इधर घर में कोई कॉलिंग बेल बार बार बजाया जा रहा है, तो 5 चीजें एक साथ हो रही है, राइट। अब इस कंडीशन में वो महिला या वुमैन क्या करेगी? 5 चीजें जरूरी है राइट, लेकिन उनको उस कंडीशन में क्या करने की जरूरत है सबसे ज्यादा? जस्ट थिंक अबाउट दैट। सभी अपना अपना चैट को यूज करें, जस्ट बताएं, सिर्फ ऑप्शन लिख के बताएं कि आपको क्या चीज की जरूरत होगी उस वक्त में। आप अगर उस पोजीशन में आप रहोगे तो आप क्या करोगे सबसे पहले, कौन सा एक्टिविटी को सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे? दूध को, बच्चे को, उस अपने इन लॉ को, या जाके आप पहले डोर खोलोगे, राइट। सभी सभी अपना चैट को जस्ट यूज करें। बच्चे को मनीषा जी ने कहा, बच्चे को, ग्रेट। दूसरे नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी आप लोग सिर्फ शॉर्टकट में यूज करें, ठीक है। मिल्क के लिए एम यूज करें, बच्चे के लिए बी, बेबी यूज करें। खुद यहाँ पर खुद को श्रिया ने कहा है, खुद को, ग्रेट। अनिता जी ने कहा बच्चे को। जितनी यहाँ माएं बैठी हुई हैं सबका एक कॉमन आंसर होगा बच्चे को।
हाँ फराह आबदी जी ने कहा है मिल को, ग्रेट अंजू जी ने कहा है बेबी को, विनीता जी ने कहा है मिल को। सो अब हम आंसर में आ जाते हैं, ज्यादा आपको अपलोड क्रिटिसिटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हुए, कि सबसे करेक्ट आंसर यहाँ ये होगा कि आपको वहां दूध को बचाना है क्योंकि बच्चा दूध के लिए रो रहा है ना कि माँ के लिए राइट और वो दूध से बच्चे को भी दिया जाएगा, उसी दूध से चाय भी बनेगा और उसी दूध से क्या किया जाएगा, उनको अपने इन-लॉज को भी हेल्प करना है, इन-लॉज को भी देना है राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले उनको गैस को ऑफ करना पड़ेगा, दूध को उतारना पड़ेगा, देन उसके बाद उनको बच्चे को जाके लेना पड़ेगा, बच्चे को गोद में लेना पड़ेगा, लेके फिर अपने इन-लॉज के पास आना पड़ेगा, इन-लॉज को बोलना पड़ेगा कि ससुर जी कोई घर दुकान कोई बाहर आए हुए हैं, हम जैसे देख के आप चाय ला के देते हैं। आप लोग समझ गए सारी चीजें। इस तरह से ये बातें मैंने क्यों रखा, क्योंकि एक एक जो लेडी है ना वो मल्टीटास्कर होती है, मल्टीटास्किंग होती है। ये जो अभी हम सेशन ले रहे हैं, आपको पता है कितने सारे बैकग्राउंड में कितने सारे चीजें हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी वाइफ संभाल रही है, ना कि हम राइट। दैट इज व्हाई हम खास करके हर वुमेन्स को मेरा दिल से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत आभार कि आप लोग एक मल्टी टैलेंटेड होते हो, मल्टी टास्किंग होते हो और आप लोग ही कर सकते हो। एक इंसान क्या कर सकता है, सेशन ले रहा है तो सेशन ले रहा है, काम कर रहा है तो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है तो जॉब कर रहा है, लेकिन एक लेडी को आप देखें कि वो एक साथ कितनी चीजों को एक बार में कर सकती है। सबसे बड़ी बात, वो इरिटेट नहीं होती है राइट। लेट से सपोज अभी हम सेशन ले रहे हैं, सेशन लेते लेते मेरी डॉटर भी आकर मुझे अगर तंग करने लगे या कुछ बोलने लगे या सेशन के बीच में इंटरेक्ट करने लगे तो मैं क्या फील करूंगा, थोड़ा सा इरिटेट फील करूंगा राइट। ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे अगर लेडी होती है तो वो इरिटेट नहीं होती है ना, बहुत चीजों को वो मेंटेन करके, बहुत चीजों को पेशेंस रख के वो आगे बढ़ती है। और यही रीजन है कि मैंने आप लोगों के साथ ये एग्जांपल को शेयर किया कि अपने प्रायोरिटी को समझें, अपने प्रायोरिटी को समझें। श्रिया ने जो कहा था खुद को, यहाँ पर खुद वाला बात यहाँ कुछ नहीं था इस वजह से, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो वही आंसर सबसे पहले होता, क्योंकि यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर दूध से कनेक्ट था ये बात, मिल्क से कनेक्ट था, क्योंकि बच्चा को भूख लगी थी और इस वजह से वो मिल्क गर्म हो रहा था, गर्म होने के बाद मिल्क को वो बच्चे के लिए लेके जाते। तो ये है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप मिल्क को छोड़ के अगर दुकान अगर ये डोर को ओपन करने चले जाते क्या होता, मिल्क फूटता, मिल्क उबल जाता, गैस बंद हो जाता, मिल्क उबल के पूरा जल जाता, इधर बच्चे को भी दूध नहीं मिलती, इधर ससुर जी भी गर्म गुस्से हो जाते हैं और जाके देखते हैं कि गेट में कोई आया भी नहीं, कोई बदमाशी करके बेल बजा के चले गए राइट। ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी था। तो इसीलिए आप सबको ये सेशन के पीछे मेरा इंटेंशन यही है कि आप सबको अपना प्रायोरिटी को समझना है। और अब आप लोग इस सिनारियो के बाद अब आप लोग कहें कि हम सबका सबसे खास प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। आप सब, मुझे यकीन है कि अब हम लोग सब सेम पेज में हैं, क्योंकि जब तक हम लोग एक सेम पेज में, सभी अपना जो प्रायोरिटी होना चाहिए उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर को आप लोग टाइप करेंगे। जो प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए उसका फर्स्ट लेटर को सिर्फ टाइप करें। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है फैमिली होना चाहिए तो एफ, हेल्थ होना चाहिए तो एच, खुद का होना चाहिए तो एस, ठीक है, इस तरह का यूज करें। लेकिन आज का सेशन क्योंकि हेल्थ के ऊपर है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि यस दोस्तों, यस हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा हेल्थ होना चाहिए। और सेल्फ और हेल्थ में फर्क नहीं है, यहाँ हेल्थ का आप प्रायोरिटी दे रहे हो यानी सेल्फ को प्रायोरिटी दे रहे हो राइट। मनीषा जी, संगीता जी, अंजू जी, समझ पा रहे हैं हम लोग? तो अपने आप को केयर करना करें। आप सोचे, आप सोच के देखें तो लास्ट टाइम आप कब खुल के हंसे थे, लास्ट टाइम आप कब खुल के किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारे थे, लास्ट टाइम आप कब डांस किए थे, लास्ट टाइम कब आपने गाना गाया था, जस्ट सोच के देखिए। अभी आप लोगों को आंसर नहीं देना है मुझे, लेकिन सोच के देखिए। हम लोग जितना ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते चले जाते हैं जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उतने ज्यादा खुद को खोते चले जाते हैं राइट। बच्चों के बीच में, हस्बैंड के बीच में, इन-लॉज के बीच में, दोस्तों के बीच में, रिलेशंस के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ को हम लोग खो देते हैं। और जब खुद के सेल्फ को खो देते हैं तो सेल्फ क्या होता है, इग्नोर होना शुरू होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, हम आप लोग उसी लाइन में लेके जा रहे हैं जिसका आज टॉपिक है। सेल्फ क्या होता है हमारा, हमारा बॉडी क्या होता है, इग्नोर फील करता है कि उसको केयर नहीं मिल रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको लव नहीं मिल रहा है। और जब बॉडी में इस तरह का इग्नोरेंस धीरे 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 बढ़ता चला जाता है तो उसी का अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म में हम लोग को देखने मिलता है। सबसे कॉमन फॉर्म है हमारे इंडिया में, यू कैन से ऑल ओवर वर्ल्ड में, Obesity. Right? Obesity is the common factor in most of the women in all over the world. Right? क्यों होता है?
लोग सोचते हैं कि शादी होने के बाद ये इतना ज्यादा इसका ओबेसिटी का चैलेंज क्यों हो गया, शादी होने से पहले तो बहुत स्लिम ट्रिम थी शादी होने के बाद ही क्यों स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये हम लोग दूसरी तरफ से देखते हैं। लेकिन इसका मेजर रीजन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज शादी होने से पहले तक एक लेडी पूरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम खुद पे कॉन्शियस करती है। एग्री विथ नॉट, एक मैसेज अगर एग्री है तो प्लीज आप लोग अपना हैंड रेस्ट करें। शादी होने से पहले आप अपना अपने जवानी में लौट चले, चलिए मेरे साथ अपने अपने जवानी में लौट चले, अपने उस टीनेज एज में लौट चले जब आप स्कूल जाया करती थी तो बहुत बन ढंग के जाया करती थी, राइट, फेयर एंड लवली यूज करके जाया करती थी। कितने लोग फेयर एंड लवली यूज किया करते थे राइट, ग्रेट, संगीता जी, मनीषा जी, हम भी यूज कर लिया करते थे कभी कभी, राइट। सो ये बातें समझने की जरूरत है कि हम लोग जब शादी, जब हमारी शादी नहीं होती है तो हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, है ना, मुल्तानी मिट्टी मलना, राइट, फेस पैक लगाना, चूल्हों को केयर करना, चूल्हों में आमला देना, चूल्हों में क्या मामा ने कहा है कि अरे चूल्हों में थोड़ा सा एलोवेरा लगा लो तो एलोवेरा देना, हर वक्त कोई घर में आता तो हम जो लेडी जिनके शादी नहीं हुई उसको कुछ ना कुछ रूप में पाता, कुछ ना कुछ उनका रूप चर्चा जरूर चल रहा है, ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी सर पे तो कभी चेहरे पे तो कभी आंख पे। लेकिन जैसे ही शादी हुआ बस सब कुछ धीरे धीरे करके छूटने लगता है, सब कुछ धीरे धीरे करके हम लोग भूल जाते हैं, जानते हुए भी करते नहीं है। और किसी किसी से अगर आप पूछो ना कि अंजू जी आप क्यों नहीं करती अभी, तो क्या एक ही जवाब आएगा, कॉमन जवाब मैक्सिमम पीपल से आएगा, मन नहीं करता है, राइट, अब दिल नहीं करता है। तो आपका अंदर क्यों ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके अंदर का वो इनर चाइल्ड बोल रहा है जो बहुत ज्यादा इग्नोर फील हुआ है, बहुत ज्यादा इग्नोर फील हुआ है, अब उसे किसी से कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो अब उस कंडीशन को ना एक्सेप्ट कर लिया कि वो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, राइट? तो ये बात याद रखें, आप शादीशुदा हो शादीशुदा ना हो, अभी आपकी शादी हुई है या ना हुई है, आप अभी जो भी एज में हैं, एज इज डजंट मैटर, नंबर एज इज जस्ट अ नंबर, एज जस्ट इज एन इल्यूशन, अपना केयर लेना आप लोग शुरू करें। और जिस भी लोगों के साथ ये ओबेसिटी का चैलेंज है उन लोगों के लिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे ग्रुप आई एम मेंबर हेटल मकवाना जी को, जिन्होंने अपने लाइफ में, यस, जिनको हम लोगों ने हमारे ग्रुप के तरफ से द स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिटनेस कोच का टाइटल दिया है, डेजिग्नेशन दिया है, एंड सी इज एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट जॉब इन देयर सेल्फ केयर, यू कैन से इन देयर हेल्थ केयर, राइट, इन देयर वेलनेस। और उन्होंने एक ऐसा मैजिक अपने लाइफ में कर दिया है जो मैजिक आज हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है। जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन, मैं एक चीज आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखेंगे इस स्क्रीन को जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, सभी का पास स्क्रीन विजिबल है, आप लोग जस्ट स्क्रीन को देखें और जस्ट सोचें और सभी वाव लिखेंगे, ओके, पहले तो सब वाव लिखेंगे उसके बाद कंग्रेचुलेशन कहेंगे, CONGO कॉन्गो लिखेंगे, ठीक है। हेतल जी ने कुछ महीनों के अंदर ही 95 to 67 kg का वेट, 67 kg में अपने आप को लेकर आई हैं, और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप सबके सामने बैठे हुए भी हैं, स्माइल भी कर रही हैं, और उनका इमेज भी आप सबके सामने विजिबल है एंड शेयर किया जा रहा है। और ये कोई ऐसी बनी बनाई बातें नहीं है जो मैं किसी से लेके आके डाटा लेके आके आपको सब शेयर कर दिया फॉर प्रमोशन एंड सो ऑन, नो, ये एक ऐसा लाइव एग्जांपल है जो आपके सामने है, जस्ट उनके पास सभी मुझे ये रिसीव हुआ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गेस्ट मेंबर, एज अ गेस्ट मेंबर हिसाब से हेतल जी को, कि प्लीज हेतल जी थोड़ा आए आप मेरे साथ और थोड़ा से हमें हेल्प करें कि किस तरह से आप लोग आपने अपने इस जर्नी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुकम्मल किया, ट्रांसफॉर्मेशन को रियलिटी बनाया, और किस तरह से आपने इतने बड़े एक बहुत ही मैजिकल स्टेप को आपने बहुत इजीली एक्सेस किया। हेतल जी के बारे में और थोड़ा आप लोगों को बताते चलिए, वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको जिम की जरूरत नहीं होगी, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं होगी, इवन आपको कोई कॉस्टली प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी, कॉस्टली चीजें खाने की भी जरूरत नहीं होगी। वो कहती हैं कि उनके पास ऐसे 3 पावरफुल सीक्रेट हैं टू रिड्यूस योर वेट, टू इंप्रूव योर वेट, इवन यू कैन से कि टू बैलेंस, टू मेंटेन योर वेट, ऐसा 3 पावरफुल रेमेडी उनके पास है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग भी उनके तरह वेट में एक पावरफुल फिटनेस का, पावरफुल फिटनेस बॉडी का हकदार आप भी बन सकते हैं। तो हम लोग एक्साइटेड हैं हेतल जी को सुनने के लिए, जानने के लिए, उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी को सुनने के लिए। सो जस्ट लेट मी इनवाइट आवर हेतल जी ऑफ आवर प्राइम मेंबर्स। थैंक यू सो मच हेतल जी।
for your coming. Thank you. Just unmute yourself and go ahead. Just unmute yourself. Yes. So Hetal ji say, ji. Thank you so much, Hetal ji. Thank you. Great. Yes. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Absolutely. Thank you. Thank you. Om Sai Ram to all lovely members of this group. Yeah. Myself, Hetal Makwana, as sir introduced me, right? I am a spiritual fitness coach of GIH group. Thank you so much, Sharuk sir. मैं सबसे पहले मेरे बाबा का thank you बोलूंगी जिन्होंने मुझे आपसे connect करवाया sir. और आपने मुझे Ho'oponopono prayer से introduce करवाया. Ho'oponopono prayer क्या है ये सुना था जैसे YouTube पे हम scrolling करते हैं तो videos काफी देखे हुए थे लेकिन उसको कैसे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है कैसे उससे बेनिफिट लेना है ये नहीं पता था. शुरुआत में मैंने करा फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसका कुछ रिजल्ट नहीं है लोग बोलते हैं कुछ बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन पता नहीं कैसे कनेक्शन में आई मैं आपके ये चैनल से कनेक्ट हुई और उसके बाद जो भी आपने टीचिंग हमें बताए जो भी चीजें सिखाई रिगार्डिंग Ho'oponopono प्रेयर वो सब मैंने करना शुरू करा धीरे धीरे जिस तरह से आप गाइड करते गए ना ब्लाइंड फोल्डेड मैंने उसको फॉलो करना शुरू करा क्योंकि एक बात थी कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन जब आप उसमें सीखना शुरू करते हैं तो इतने अच्छे से और जैसे सर जैसे अगर मेंटर मिल गए ना तो आप ऐसा समझो कि वो ऐसे टीचर है जो जैसे बच्चे को होता है ना पेन पकड़ के लिखना सिखाते हैं वैसे ही सर ने मुझे सिखाया ठीक है तो Ho'oponopono prayer सर ने किस तरह से करना है उस टाइम पे आपके जैसे कि सेशंस भी चल रहे थे तो उस टाइम पे ऐसे ही करा और जो आज का मेन हमारा टॉपिक है जो वेबिनार जिसके ऊपर सर ने कंडक्ट किया है उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू करा था क्योंकि मुझे सबसे पहले चाहिए था हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि जैसे आपने सर ने अभी शेयर करी मेरी फोटो तो आपने देखा उस टाइम पे जब ये चल रहे थे बिफोर 6 months तो मैं अपना वीडियो कभी ऑन नहीं कर रही थी सर यू नो दैट वेरी वेल की मैं लाइव चैटिंग करती थी लेकिन वीडियोस कभी ऑन नहीं होते थे मेरे सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि मैंने थोड़ा बॉडी शेमिंग के मुझे ये था कि नहीं मैं बहुत मोटी लग रही हूँ पता नहीं अच्छी दिख नहीं रही हूँ तो इसकी वजह से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत बहुत ही ज्यादा लो हो चुका था मुझे ऐसा इवन बाहर जाना लोगों से मिलना ये तक मुझे पसंद नहीं था ठीक है मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई रास्ता मिले जिसकी वजह से मैं ये कर पाऊँ और एज अ होम मेकर हमारी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जिसके चलते हम इतने इजीली जिम में जाना या फिर यू नो कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना जैसे कुछ स्पेसिफिकली कोई स्लिमिंग पाउडर लेना उसको लेना ये सब फॉलो नहीं कर पाते थे तो ये सारी मेरी लिमिटेशंस थी और मैं चाहती थी कि मैं इसको साथ में रखकर जो मेरी लिमिटेशंस है उसी में जो मेरी बाउंड्रीज है उसमें रहकर ही मैं कुछ अचीव कर पाऊँ उसी टाइम पे मेरे पास आपने ये Ho'oponopono प्रेयर बाबा की कृपा से मुझे मिला आप मुझे मिले और मैंने उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने गाइड किया जैसे Ho'oponopono प्रेयर क्या करता है हमारे जो सर ने सिखाया हमें कि वो जो हमारे ब्लॉकेज होते हैं ना जहाँ कहीं भी जो आप समझ लीजिए एक पाथ है जिसपे आपको आगे चलना है ठीक है लेकिन उस पाथ में पर्टिकुलर किसी एक जगह पे ऐसे ये ब्लॉकेज आ जाते हैं तो Ho'oponopono प्रेयर क्या करता है वो ब्लॉकेज को ना क्लीन करते रहते ठीक है वो प्रेयर जैसे ही आप उसका रेसिटेशन करते रहते हो जितनी बार काउंटिंग मैंने कभी काउंटिंग नहीं की मैं चाहे कुछ भी काम करती हूँ मैं करते करते Ho'oponopono प्रेयर मेरा शुरू हो जाता है ठीक है कभी कभार ये भी हो जाता है कि अगर कुछ बिजी शेड्यूल में चली गई तो वो रह जाता है वापिस वो शुरू जैसे ही कॉन्शियसली ये आ जाता है कि नहीं मुझे ये करना है मैं वापिस उसको ज्वाइन करती थी और करती रहती ऐसा जैसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर इतने नंबर्स के लिए करना है या फिर इतना करना है ऐसा कुछ भी नहीं वो अफोर्ड्स मैंने नहीं रखे लेकिन ये रखा था कि जब भी फ्री जैसे होम मेकर्स के लिए कभी कभार ये होता है इनफैक्ट कई लोगों के लिए होता है जब कुछ फ्री होता है ना तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर गाना गुनगुनाते रहते हैं तो मैं Ho'oponopono प्रेयर को ऐसे गाने के तौर पे मैंने बना रखा था और मैं उसी तरह पे गुनगुनाती रहती थी तो उसने मेरी लाइफ में जो मेरे डिजायर बॉडी वेट है या फिर मेरा जो बॉडी शेपिंग है उसको उसके पाथ को धीरे धीरे क्लियर किया कभी कभार क्या होता है हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि ये कैसे पॉसिबल है एक प्रेयर कैसे रास्ते क्लीन करती है ना प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड हमारा यही बोलते हैं कि ये कैसे करती है लेकिन इसका जो मैंने समझा अभी तक वो ये है कि वो आपके सामने ना अपॉर्चुनिटीज रखती है जैसे ही आपके वेज क्लियर होते जाते हैं ना आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती है कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आ गया या फिर कुछ आपको मिल गया जैसे आज सर का ये वेबिनार हो सकता है अभी जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से शायद किसी ने ईश्वर से प्रेयर करी होगी डिवाइन से कुछ प्रेयर करा होगा उसके चलते सर ने आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गॉड नोज है ना तो ये सारी चीजें होती है यूनिवर्स ना हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें ला के रखते हैं कि जिसको हमें जस्ट उसको क्रैक करना है
जब तक होपोनोपोनो प्रेयर नहीं करा था तब तक ये नॉलेज नहीं था, आता था सामने से निकल जाता था, हमें समझ भी नहीं आता। जब से इसके साथ जुड़े हैं ना ये ट्रिगर आ जाते हैं, अच्छा ये मेरे सामने आया मतलब यूनिवर्स मुझे बोल रहा है इस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और इसको फॉलो करिए। और जैसे जैसे मैंने फॉलो करा, मैंने अपनी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जैसे आप स्क्रीन पे भी दिखा अभी सबने, ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज हुई। सेकेंडली जो स्पेशली हाउसवाइफ होती है वो जैसे अभी सर ने बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है, जैसे बिफोर मैरिज ये होता है कि मम्मा रहती है घर पे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है, तो हम ऐसा जितना कुछ नहीं करते, हमारे पास इनफ टाइम होता है। आफ्टर मैरिज आपके पास उतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हस्बैंड है, इन लॉज है, बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उसके चलते हम कहीं ना कहीं खुद को ना इग्नोर करते चले जाते हैं। इनफैक्ट आप खाने में भी देख लो, अच्छा ठीक है अभी नहीं थोड़ी देर बाद खा लेंगे, कोई कभी कभार वो टाइम भी निकल जाता है, फिर ऐसा लगता है चलो कोई नहीं अभी नहीं खाना बाद में, या फिर कुछ भी चाय पी ली, चाय के टाइम पे हम ऐसा करते हैं चाय भी पी ली इसके साथ कुछ भी खा लेंगे, तो विदाउट एनी थॉट हम ना अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहते। तो अभी जो फिजिकली जो हमारे सामने अभी हमारा जो वेट है जिसके चलते हम ज्यादा ये बॉडी शेमिंग का शिकार बनते रहते हैं, वो जो है ना वो एकदम से एक दिन में नहीं हुआ कि आज हम सो गए कल मॉर्निंग में हमने ये किया, नॉट लाइक दैट, वो ना ग्रेजुअली बढ़ा है। तो हम अभी जैसे ये स्टेज में है, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वन बाय वन एक एक स्टेप चढ़ते जाना पड़ेगा, और वो जिस स्टेप हम चढ़ते जाएंगे ना हमारा वो रिजल्ट हमें मिलता जाएगा। तो मैंने दो चीजें साथ में करी, वो पुनः पुनः प्रेयर करी, जिसकी वजह से मुझे ये सारे जो ब्लॉकेजेस थे, मेरा जो बॉडी वेट जो स्टक हो चुका था, लिटरली स्टक हो चुका था, मैंने कितना सारी चीजें पहले ये थी कि मैं ये करूंगी वो, अगर एक्सरसाइज भी करी तो आज एक्सरसाइज करी नेक्स्ट डे बॉडी पेन होता, तो ये लगता चलो छोड़ दो नहीं करना है, कुछ भी नहीं होता, जब बाहर जाते किसी को मिलते तब भी होता तो काफी वेट है कैसे कम करेंगे क्या हो। मैं पर्सनली वेट गेन के लिए बोल रही हूँ, मैं वेट लॉस के बारे में भी आऊंगी क्योंकि उसकी भी मेरी सक्सेस स्टोरी मेरे पास है, खुद का मेरे बेटे का एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं वो भी डेफिनेटली शेयर करूंगी। पहले मैं अपना जो है मेरी जो सक्सेस स्टोरी मुझे हो उन प्रेयर के थ्रू मिली वो मैं शेयर करूंगी जी। तो उस टाइम पे मुझे यही था, इनफैक्ट मेरी लाइफ में तो एक बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि मैं ना अपने जो पुराने ड्रेसेस हैं, लोग ये करते हैं ना वार्डरोब खोलते और देखते हैं इसमें से कौन सा ड्रेस मैं पहनूंगी, मेरे लिए ये हो गया था कि मुझे कौन सा ड्रेस इसमें से फिट होगा जो मैं पहन सकती हूँ। ये इतना बड़ा ये आया था, जितने भी मेरे ये होम मेकर्स हैं हमारे साथ घर पे वो डेफिनेटली इसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये मैं इस चीज से बहुत ही मतलब बहुत डिप्रेशन में भी चली, बीच में मुझे ये भी था कि चलो जो भी है एज इट इज रखो ही वो, लेकिन नवंबर में मेरा बर्थडे आता है, उस टाइम पे मैंने सोचा था कि नहीं अब मैं इसको लेके कंटिन्यू नहीं करूंगी। जैसे होता है ना, आप थोड़ा फ्री टाइम निकालो अपने लिए और फिर सोचो आपके जो लाइफ चैलेंजेस है ना उसके बारे में थोड़ा सोचो, और फिर इसके ऊपर ना एक फ्रॉम डिसीजन लेना होगा आपको कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अपना वेट अगर ज्यादा है तो आप उसके ऊपर सोचो कि नहीं मुझे कम करना है, अगर बहुत कम है आप अंडर वेट हो तो ये सोचो कि मुझे उसको बढ़ाना है। आप प्रॉपरली आइडियल वेट में जैसे ही चले जाओगे ना दो बेनिफिट होते हैं, तब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, और उसका लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि अगर आप नवंबर के टाइम के सर के अगर वीडियोस देखोगे ना प्राइम सेशन के, इसके सॉरी जीएचपी सेशन के, तो उसमें मैं लाइव कभी नहीं रहती थी, उसमें आपको मेरा कैमरा ऑफ ही दिखेगा, और अब से मैं हमेशा कैमरा ऑन करती हूँ चाहे और कोई हो ना। Another transformation. तो मुझे इसका बहुत ही अच्छा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे बहुत ही अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितनी भी हाउस वाइफ है जो कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है ना किसी चीज को लेके, जो फेज मेरा था उस टाइम पे वो अभी मान लीजिए कोई है ऐसे, तो मैं उनको हेल्प कर सकूं, जो मैंने सीखा उससे मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, और मैं लोगों को उस वो जो 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 चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट की अपनी लाइफ में और जो जो चीजों से मैं ओवरकम करके अभी मैंने अपना डिजायर रिजल्ट वेट जो है वो पा लिया, वो मैं सीक्रेट सारे शेयर करूं। मैं ना ही जिम में गई हूँ जैसे सर ने अभी बताया, क्योंकि जिम भी मेरे लिए एक लिमिटेशन था कि मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं ना ही जिम में गई हूँ, मैंने ना ही कुछ एक्स्ट्रा वॉकिंग भी, आप देखो मैं अपने टेरेस पे वॉक करती, ऐसा भी नहीं कि पर्टिकुलरली बाहर जाओ और बाहर जाके ही वॉक करो, नॉट लाइक, बस ये था टारगेट था कि 1 आवर वॉक करना है, मतलब आप कहीं पे भी करो, आप अपने टेरेस पे करो, आप अपने घर पे करो, कहीं पे भी अगर आपके पास टाइम है आप जाना प्रेफर करते हो देन डेफिनेटली यू कैन वॉक दैट यू नो ऑप्शन, लेकिन मेरे लिए ये था कि मेरे कुछ लिमिटेशंस थे मैं नहीं जा पाती, तो मैंने ये सारी चीजें अपने बाउंड्री में रह के करी। फिर ये नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है पता है, हम इस तरह से अपना थॉट ये आ जाता है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है हम नहीं कर पाएंगे, बाहर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन वो बात नहीं, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसकी वीकनेस मत बनाइए, उसको
है ना कि अरे ये मेरी वीकनेस है, मेरे बच्चा है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, या मेरे हस्बैंड है ये नहीं कर पा रहा. योर चाइल्ड एंड योर हस्बैंड इज योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, उनको के तौर पे लीजिए जी. और फिर उनको ना एज अ गिफ्ट आप खुद को रिप्रेजेंट कीजिए इतना अच्छा बना के कि आप उनको गिफ्ट दे सको कि देखिए अभी मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया. और आप बिलीव करो जितने भी हस्बैंड समझे, जितने भी हाउस वाइफ है यहाँ पे, जितनी भी लेडीज हैं, अगर वो अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट देंगी ना फ्रॉम फैट टू फिट बन के, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट बन जाएगा. जस्ट नोटेड, फैट टू फिट, राइट, अनदर स्लोगन. मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ये सारी चीजें उसको नहीं बताई, ठीक है, उसका शेड्यूल भी कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ और मैंने अपना काम कर लिया, तो उसका जो आउटपुट मुझे मिला वो एकदम ऑसम है. मैंने अपने होम रेमेडीज जितनी भी मैं और ये सारी ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने के ऊपर ट्राई किया, ठीक है, और उसका जो मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है, एक्सरसाइज भी मैं अपने रूटीन के अपने टाइमिंग के हिसाब से कर रही थी, जब जब मुझे अपना मी टाइम मिल जाता, जब मेरे हस्बैंड भी अपने काम पे चले जाते हैं, मेरा बेटा भी अपने स्कूल में चला जाता, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट ना हर एक लेडी को खुद से करना रहेगा, क्योंकि आपके घर का शेड्यूल, आपके घर के मेंबर्स जो हैं, तो वो आप ही को पता रहेगा, वो हमें नहीं पता, तब जब तक आप बताओगे नहीं हम नहीं उसमें आपको हेल्प कर पाएंगे. तो वो चीज जो है टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक की है, समझ लीजिए आप चाहे मॉर्निंग में कर लीजिए चाहे इवनिंग में, जिस तरह से आपको सुटेबल है, लेकिन आपको खुद के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालना ही पड़ेगा, और दैट इज कॉल्ड मी टाइम. और उसके बाद अगर आपने मी टाइम के ऊपर प्रॉपर वर्क किया ना, देन बिलीव दिस कि वो ना आप सेल्फ लव ना ऑटोमेटिकली करने लगोगे, आप खुद से उतना ज्यादा प्यार करने लगोगे. और जब सेल्फ लव की बात आती है, जैसे सर हमेशा अपने ये इसमें बोलते हैं, वेबिनार्स में बोलते हैं कि अगर आपने सेल्फ लव कर लिया ना, तो अगर अपन खुद से प्यार करते हैं ना, तो सारी दुनिया आपसे प्यार करने लगे. Yes, फिर उसके बाद हमें प्यार के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्यार खींचा चला हुआ आएगा, है ना, फिर चाहे आपके हस्बैंड का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे फैमिली मेंबर्स का हो, चाहे सोसाइटी मेंबर्स या कोई भी हो, ठीक है, आपके पास लोग आएंगे पूछने के लिए कि अरे ये कैसे कर रहा है, ये कैसे हो गया आप, मतलब ऐसे थे, और है ना, और वो अपन खुद भी इतना फिट फील करते हैं खुद को कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना, आप कोई भी ड्रेस पहनो और निकल जाओ, आप कुछ भी करो एकदम से जाओ, है ना, ऐसा कुछ भी ये नहीं रहता कि नहीं क्या करेंगे कैसे जाएंगे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सर मैं आपसे जुड़ने के बाद जो मैंने अपनी हेल्थ में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, इट्स सच अ ऑसम, और ये मेरे लिए मतलब मेरी ओर से मैं आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड तो देती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ना एक सबसे बड़ा, जैसे बोलते हैं ना बंच, फ्लावर ऑफ बंच है, ये हेल्थ के रिगार्डिंग बंच है जो मैं आपको ऑफर करती हूँ सर, कि आपके हो बोलो बोलो प्रेयर. थैंक यू सो मच सर, आपकी प्रेयर और जिस तरह से आपने गाइड किया, देखिए आप सारे मेंबर्स को सेम चीज गाइड करते हो, राइट, आप प्राइम प्राइम सेशंस जब लेते हो, इवन आई एम ऑल्सो प्राइम मेंबर, तो सर जैसे बोलते हैं, लेकिन उस चीज में से आप उसको किस तरह से लेते हो और आप अपनी लाइफ के कौन से चैलेंज को वो उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो ना, वो आपको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना रहेगा. और जैसे ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, और बिलीव मी होम ओनो प्रेयर के साथ कनेक्शन के बाद आपको अफोर्डलेस, मतलब पहले इतने अफोर्ड भी नहीं डालने पड़ते सर, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि आप सोचो कि आपको ना 70-80% ही अफोर्ड डालने पड़ेंगे, बाकी 20% तो यूनिवर्स की ओर से आपको गाइडेंस मिल जाती है. जी, 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 तो जी. आपका जो हमारा जो डिजायर जो वेट है ना, वो हम गेन कर सकते हैं. अभी ये बात हुई मेरी वेट गेन की, नेक्स्ट आती हूँ मैं वेट लॉस, सॉरी वेट ये किसकी वाले वेट लॉस की बात हुई, जो मैंने अपनी स्टोरी बताई जी. अभी मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ, वो ना अंडरवेट इधर जी. बहुत सारे मेंबर्स हमारे ग्रुप में ऐसे भी हैं, इवन कि हमारे साथ भी हैं, कि उनका ये क्वेश्चन रहा है कि सर किस तरह से होपोनोपोनो के माध्यम से हम अपने वेट को गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही अंडरवेट हूँ. तो क्योंकि एज अ बहुत अच्छा आपने एक एग्जांपल दिया किस तरह से अपने वेट को अपने रिड्यूस किया. अब हम लोग जानेंगे हेतल जी से कि किस तरह से हेतल जी ने इसी होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से उन्होंने वो इंस्पिरेशन यूनिवर्स से रिसीव किया, और कैसे हेतल जी ने अपने बच्चे के मामले में, अपने चाइल्ड के मामले में वेट, उनका जो बहुत ज्यादा अंडर वेट था, वो किस तरह से उन्होंने वो बैलेंस किया, मेंटेन किया. तो प्लीज हेतल जी को बेटा. थैंक यू सो मच जी. मेरा बेटे का यही इश्यू था कि मैं ओवर चली जा रही थी, वो अंडर वेट था,
ठीक है, तो काफी जैसे फैमिली मेंबर्स जो है वो सभी उन सबका भी बोलना यही था कि बच्चे के ऊपर कुछ काम करना शुरू करो, इसको अच्छे से खिलाओ। जैसे हर मदर, जो भी यहाँ मदर्स हैं अभी देख रहे हैं हमें, वो बहुत कोरिलेट कर पाएंगे अगर उनकी फैमिली में ऐसा कुछ इश्यू आता है। तो यही बात आती है कि मम्मा को बोला जाता है कि आप बच्चे को कुछ खिलाओ। हालांकि मेरा बच्चा करेक्ट सब कुछ, डाइट उसका एकदम प्रॉपर था, वो सब कुछ प्रॉपर ले रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही उसको सब फूड जो भी देना है वो सब देती थी। लेकिन उसका जो डिजायर वेट था ना, मुझे जैसे वो हमेशा देख लो तो अंडर वेट ही, अगर आप कहीं से किसी से पूछो तो बोलते हाँ ये वही जेन दुबला पतला सा, मतलब ये उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, दुबला पतला सा, ये जैसे ये लाइन था उसका कि दुबला पतला सा, अभी यही है जैसे। और अभी उसके ऊपर मैंने जब काम करना शुरू करा, मैंने कुछ अपनी रेमेडीज, सीक्रेट रेमेडीज बनाई जो बाबा की कृपा से मुझे मिली, और वो मैंने जिस तरह से उसको देना शुरू करा, और उसके बाद मैं काफी, मतलब 2-3 साल तक मैंने उसको ये दिया, और मुझे जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मिला उसके हेल्थ वाइज, कोई भी मतलब हेल्थ एज वेल एज उसका जो मेंटल जो था ना, पढ़ाई में भी उसका, पहले ये था बहुत चंचल बच्चा था मेरा, पढ़ाई में भी इतना मतलब बैठ के करता, लेकिन आधे घंटे पढ़ेगा फिर बाद में वापस खेलने कूदने चला जाएगा फिर वापस आके पढ़ेगा। अभी ये हो चुका है कि अभी वो कंसिस्टेंटली 1-2 घंटे के लिए वो आराम से बैठता, तो उसके मुझे जी बेनिफिट भी मिले उसकी हेल्थ के साथ, और हेल्थ मैंने हेल्थ पे काम किया, बाय प्रोडक्ट मुझे उसका ये जो था स्टडी के लिए जो भी, वो मुझे बाय प्रोडक्ट मिल गया सर। यस, और ओके उसके ऊपर भी मतलब उसका भी इतना ऐसा था, वो वेट जैसे उसका स्टक हो चुका था 45 के आसपास, उससे वो बढ़ता ही नहीं था, दुबला पतला सा। हाइट बढ़ेगी उसकी, वैसे वो टीनेज फेज में है तो हाइट बढ़ रही थी उसकी, लेकिन उसका बॉडी जो फैट होती है ना बॉडी में, वो नहीं, मतलब अगर वो बेयर शर्ट है ना तो आप उसकी पसलियां गिन सकते हो, इतना पतला था वो मेरा बच्चा जी सर। तो मैंने जैसे ही उसके ऊपर ये सारी चीजें, इनफैक्ट हो बोनो बोनो प्रेयर करके जो मुझे रिजल्ट मिला, सेम वैसे मैंने मेरे बच्चे के लिए भी ट्राई किया, तो मुझे उसके लिए जो भी बेनिफिट, जो भी यूनिवर्स से जो भी ये आए और इम्पल्सिस आए, उस तरह से जो मैंने काम किया और मुझे उसका जो रिजल्ट मिला, राइट नाउ ही इज ऑल्सो 67 kg। ठीक है, वाओ, उसका एकदम कांग्रेचुलेशन, अच्छा था, ग्रेट। एकदम 67, 45 to 67, राइट? वाओ, जस्ट सभी अपने अपने तरफ से ब्लेसिंग्स दें, चैट में सिर्फ कॉन्गो कहें या फिर वाओ कहें, अपने अपने एंड से सभी ब्लेसिंग्स लिखें। यस, थैंक यू सो मच अतुल जी, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट। यस कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। यस ये एक सेकेंड रहा जो अंडर वेट था मेरा बच्चा, वो मिनिमम प्रॉपर वेट जो उसका था वो आ गया, और अभी तो ये हो रहा है कि वो कंसिस्टेंसी, बिकॉज ही इज स्टिल इज अ ग्रोइंग चाइल्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग उसकी हाइट जो अपन जैसे गूगल पे जाते हैं ना, तो आपको चार्ट मिल जाता है कि आपकी हाइट के जी अकॉर्डिंग आपका जी आइडियल जी वेट जी कितना होना चाहिए। जी ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जस्ट देखती रहती हूँ कि हाँ यहाँ से यहाँ इतने से इतने स्केल में वो फिट है, इट मीन्स ओके वो ठीक है, अभी उसका मुझे वो सारा टेंशन नहीं, और ना तो ये सारा टेंशन अभी उसका मुझे नहीं है, तो उसके साथ मेरा भी साथ में हो रहा है पैरेलल, मैं उसके लिए भी काम करूँ, तो हम दोनों के प्रॉपर हो रहा है। रही बात मेरे हस्बैंड की, तो ही इज अ डॉक्टर और वो तो ऑब्वियसली बहुत फिट एंड फाइन है, वो जस्ट हमें जी गाइड करते रहते हैं जहाँ कहीं भी मैं स्टक होती हूँ। अभी देखिए क्या होता है ना, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लोग बोलते हैं आप ये प्रोडक्ट ले लो ये प्रोडक्ट ले लो, लेकिन एज अ डॉक्टर ही ऑलवेज सजेस्ट मी कि हमें ना बाहर की बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। वो मुझे हमेशा से बोलते हैं कि जो भी करना है घर के इंग्रेडिएंट्स से, अपनी किचन के जो है इंग्रेडिएंट्स उसको यूज करके जो भी करना है करो, बाहर से कोई भी चीज लाके हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है स्टेरॉइड्स मिक्स हो जो इन फ्यूचर आपको इसके साइड इफेक्ट दे, जो शायद अभी हमें नहीं पता चलेंगे, अभी हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर हमने ऐसे बाहर से कोई फॉरेन चीज अपनी बॉडी में डाली है और उसका साइड इफेक्ट विद इन 2 or 3 years अगर बाहर आया, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उसको काउंटर कर सकें। करेक्ट। यानी हितर जी, आप बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी रेमेडीज फॉलो किया वो सारा कुछ आपका होममेड था, राइट? मैंने वाह, खुद ग्रेट सारी चीजें ग्रेट। अपने किचन से ही अवेलेबल है, तो ऐसा भी जी कुछ नहीं है कि भाई हमें कुछ एक्स वाई जेड चीज कहीं बाहर से मंगानी पड़ेगी या फिर ऐसे हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, होम इंग्रेडिएंट से ही हम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अभी ये दो चीजों भी, थर्ड जो हुआ वो है मेंटेन रखना बॉडी, या तो आपकी रिड्यूस हो जाए यस जी यस वेट रिडक्शन हो जाता है, जी लेकिन उसको मेंटेन रखना भी, एक रिजिम के साथ चलना भी बहुत जरूरी ये बहुत चैलेंजिंग होता है बहुत किसी के लिए, है। क्योंकि यस देखिए हम लोग वेट रिड्यूस कर लिए, कोई एक प्रोग्राम ज्वाइन किया वेट रिड्यूस कर लिया, या कोई एक प्रोग्राम ज्वाइन किया वेट हम लोग ये कर लिया, यानी बढ़ा भी लिया, ओवर हम लोग इंक्रीज भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज होती है हमारी तब जब उसे मेंटेन की बात आती है। कुछ दिन चलता है, डाइट फॉलो करते हैं, उसका फिर मन नहीं करता है, फिर हम लोग डाइट को छोड़ते हैं। तो ऐसा क्या था, मतलब क्या आपके लिए ऑप्शन आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने वेट को बैलेंस करके रख सकते हैं? मतलब एक इंसान को अगर 10 साल बाद भी देखें तो लगे कि वो 10 साल पहले जैसे था, आज भी वैसे ऐसा ओके भी पॉसिबल है, राइट?
और उसके लिए मैंने तो जो अपना फॉलो किया वो मैंने अपने डाइट के ऊपर फोकस करा, ठीक है, फिर मैं जो डेली अपना वॉकिंग और एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो करा, और वो भी मैं सच बताती हूँ मैं सिर्फ हाफ एन आवर करती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि टाइम का चैलेंज डेफिनेटली आता है, ठीक है, तो वो हाफ एन आवर से ज्यादा मैं खुद के लिए उस टाइम पे मतलब एक्सरसाइज के लिए नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने वैसे ही शुरू कर शुरुआत में शुरू शुरू में जब मैं ओवरवेट थी ना, तो तब ये होता है कि अगर आप हाथ भी ऐसे ऐसे चलाते हैं ना सर, तो बॉडी पेन होता है, तो क्या होता है एक दो दिन करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, मैंने बहुत बॉडी पेन होता है मैं झुक भी नहीं पाती, नहीं करना, ये थॉट आता है। लेकिन हमें ना क्या कर, एक बार आप बैठो डिसाइड करो एक बुक में, जैसे आप हमेशा हमें प्राइम सेशन में सिखाते हैं राइट डाउन योर गोल, तो मैंने भी अपना गोल लिख रखा था 67 kg में विद इन 6 months, तो विद गॉड ग्रेस एंड योर हेल्प मैं और विद डेफिनेटली वो गुरु गुरु प्रेयर मैंने अपना वो बॉडी वेट जो था वो मैंने पा लिया, ठीक है। अभी ये है तो उसको मेंटेन करना है, और ऐसा भी नहीं कि जैसे जब से वो हो गया उसके बाद मैं कुछ नहीं, मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करती हूँ, अपने रेजिम को भी रेगुलर फॉलो करती हूँ, और उसके साथ साथ मैंने जो डाइट चार्ट जो खुद के लिए बनाया, क्योंकि हर एक इंसान भी हमारा, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें है, सबका डाइट सबका डाइट चार्ट जो होता है ना वो अलग अलग होता है, पैटर्न भी अलग अलग होगी, इनफैक्ट आपका फूड पैटर्न भी अलग होता है, आपका टाइमिंग भी अलग होता है, तो ये सारी चीजों को एक साथ मर्ज करके किस तरह से बैलेंस में चलना है वो मैंने सीखा सर, और मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ जो जो सारी चीजें हैं जो मैंने अपने खुद से एक्सपीरियंस से फिर कुछ रिसर्चेस कर करके जो मैं अपने और सारी ट्रायल एंड टेस्टेड मैंने करा, मुझे सक्सेस मिली तो फिर मैं उसको अप्रूवल दे देती हूँ कि अच्छा ये चीज से मुझे सक्सेस मिला है तो डेफिनेटली किसी और को मिलेगा ही नहीं। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए लोगों के ऊपर, दो चार जो मेरी नोन है जो मुझे पर्सनली जानते हैं जिनको मैं फिजिकली देख पाती हूँ उन लोगों के ऊपर मैंने ये सारी चीजें उनको बता के करा, मैंने आप ये ट्राई करो देखते हैं कैसे होते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट आपको पॉजिटिव रखना है कि मुझे ये चीज, मैं इस पाथ पे चल रही हूँ सो मुझे ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई एक्स वाई जेड इंसान आपको अगर डिमोटिवेट करता है कभी कभार आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी कोई होता है कि ऐसे थोड़ी वो पुनः पुनः से वजन कम हो जाता है, तो आपको उनकी बातें सुननी नहीं, यहाँ से सुनिए यहाँ से निकालिए, ठीक है, खुद के इनर चाइल्ड को बताना है कि बच्चा इसी से होगा, आप विश्वास रखो हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली होगा, मैं उसका लाइव एग्जाम्पल, तो मैं उसको कैसे मेंटेन करते हैं वो भी मैं डेफिनेटली बताऊंगी किस तरह से किया जाएगा, मैं जो अपने जो सीक्रेट्स हैं वो डेफिनेटली शेयर करूंगी ताकि लोगों को भी और लोगों को भी इनका फायदा मिले, और जो मेरी जैसे स्पेशली हाउसवाइफ है जो खुद को यू नो पर्दे के पीछे रखती है कि नहीं मुझे कैमरा के सामने नहीं आना है, कैमरा मीन्स अभी पर्दा मीन्स फिलहाल अपने लिए कैमरा है ना, ये कैमरा के सामने नहीं आना है, हमने इतना खुलना नहीं है, तो वो लोग धीरे धीरे जैसे ही जैसे आप इसके प्रोग्रेशन में आते जाओगे ना, आप धीरे धीरे खुलते जाओगे, पहले आप 5 मिनट के लिए खोलोगे, फिर 6 मिनट के, फिर हो सकता है आप 2-2 घंटे के सेशन में भी पूरे लाइव हो और मेरे जैसे इंटरेक्शन कर जैसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ सर के साथ वैसे आप इंटरेक्ट। Great inspiration. Thank you so much, Hetalji, for your absolutely just awesome. मैंने क्या हम करते हैं बहुत बहुत बहुत, तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं लोग, आप लोग में से जितने लोग हैं कितने लोग हैं जो खुल के जीना चाहते हैं, सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि एक ओबेसिटी या एक ओवरवेट या अंडरवेट वाले जितने भी लोग इस चैलेंजेस को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ इवन दोनों रीजन की वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी हो, और ये बात को आप लोग एग्री करेंगे, आप ये चैट में लिखें या नहीं लिखें, अगर आपका ओवरवेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, तब भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं पाओगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे, और बहुत ज्यादा अगर अंडरवेट है फिर भी आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे, राइट। तो ये थे हमारे हेतल जी, ठीक है, जिन्होंने अपने लाइफ में अपने लाइफ में इस पावरफुल प्रेयर को सबसे पहले यूज करना शुरू किया, उसके बाद उनके अंदर जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वेट से रिलेटेड, बॉडी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी उनके अंदर मेमोरीज थी, डाटा थी, वो धीरे धीरे करके कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि अपने वेट को लेके इस तरह आगे काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप प्रोसेस को समझें कि क्यों हो कोनो कोनो हर मोडालिटी में हर एरियाज में काम करता है। आज हम लोग हेल्थ के ऊपर बात करते हैं कि कैसे हो कोनो कोनो आपके हेल्थ को एक गुड हेल्थ में शिफ्ट करता है, तो कैसे प्रोसेस शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होती है बस ये चार फेजेस को चैंट करने से। जब आप इस चार फेजेस को चैंट करना शुरू करते हैं और आपको अगर पता भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है या इसको क्यों बोलना है या कोई फीलिंग भी अगर आपको फील नहीं हो रहा, इमोशन भी नहीं आ रहा, बट स्टिल यू कैन जस्ट चैंटिंग चैंटिंग एंड चैंटिंग, तो क्या होता है आपके अंदर के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी ज्यादा आपके लिमिटिंग बिलीव्स है रिलेटेड टू योर ओन बॉडी शेप,
right? Related to your own body skin tone, related to your own body weight. ये अपने बॉडी से जुड़ा हुआ जो भी आपके अपने धारणाएं हैं वो ये होपोनोपोनो प्रेयर क्लीन करता है। और जैसे जैसे क्लीन हो जाता है यानी ग्रहण हट जाता है तो सूरज चमकना शुरू करता है, चांद अपनी चमक फिर से लौट 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 वापस पाता है, चांद की रोशनी फिर से आप एक्सेस कर पाते हो। तो इसी तरह से आपके अंदर ही सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ग्रहण लगा हुआ है हमारे विचारों का, हमारे चैलेंजेसों का, हमारे डाटा का, जिसके वजह से हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई हम लोग क्या करते हैं, किसी मेंटर के पास जाते हैं, किसी हीलर के पास जाते हैं, किसी कोच के पास जाते हैं जो हमें सजेस्ट करे, जो उस ग्रहण को हटाने में हमारी हेल्प करे। तो ये सेशन कहीं ना कहीं आज आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड जो भी ग्रहण हमारे माइंड में बहुत सालों से, यू कैन से कि बहुत सदियों से हमारे मन में बैठा हुआ है, उस ग्रहण को हटाने के लिए आज का ये चैलेंज सेशन था। और लाइफ एग्जांपल की हमारे हितल जी जिन्होंने होपोनोपोनो के माध्यम से इस प्रोसेस को फॉलो किया, राइट। तो होपोनोपोनो के माध्यम से कैसे आप अपने वेट को इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, और वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी जो होम रेमेडी है, ना कि आपको बाहर से कोई दवाइयां खाना है, कोई सप्लीमेंट्स खाने हैं, या कोई और बाकी चीजें आपको लेनी है, ऑल बेस्ड ऑन योर होम प्रोडक्ट्स। जो भी आपके घर में प्रोडक्ट्स हैं, घर के किचन में जो जो चीजें अवेलेबल हैं, उन चीजों से ही आप यूज करके और कुछ और मास्टर ट्रिक को यूज करके आप अपने वेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इवन यू कैन, जब आप बढ़ाना घटाना आपका हो जो है तो आप उसे मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो कितने लोग यहाँ हैं जिन लोग अपने अपने वेट को ओवर वेट हैं और उन लोग अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जस्ट ये करके मी लिख के चैट बॉक्स में देखिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अभी इस चैलेंज से गुजर रहे हैं। जस्ट आप लोग अपना अपना एक सुझाव दें कि जस्ट मी लिखें और बताएं कि हाँ ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, या ये जो सेशन में आप लोगों ने समझा ये आप लोगों के लिए फायदा होगा अगर आप लोग जानोगे इसको डिटेल्स में। और भी कितने लोग हैं, जैसे हमारी मोनिका जी हैं, ग्रेट, गीतांजलि जी हैं, जल्दी जल्दी सिर्फ एम लिखें, आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। नीता जी हैं, देखिए एक बात याद रखिए, आपकी सुंदरता आपके वेट में डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत खास बात बताया है। वेट एक जस्ट एक सिम्टम है, एक सिंबल है, एक साइन है खूबसूरती का, मगर ये आपका पूरा खूबसूरती को दर्शाता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर हाल में हर सूरत में उनको पसंद आता है और उनको अच्छा लगता है। तो असल सुंदरता आपके अंदर छिपी है, लेकिन उस सुंदरता को बाहर निकालने नहीं दे रहा है आपके अंदर के बैठे हुए उन मेमोरी जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। दैट इज वाई अपनी असली सुंदरता को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, राइट। तो हम लोग, और कितने लोग हैं जो अपने अंडर वेट हैं और अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, रिड्यूस इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने वेट को अच्छी जगह में लेकर आना चाहते हैं, जस्ट मी लिखें। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग ओवर वेट हैं, हम लोग थोड़ा सा कमाना चाहते हैं, अंजू जी हैं हमारे, ठीक है, हम नाम को डिक्टेट भी नहीं कर रहे, आप जस्ट मी को चैट करें, हम देख लेंगे यहाँ पे कितने लोग हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो इस बात को आप लोग समझ जाएं, जी इस बात का आप लोग समझ लें कि आप लोग जो भी पोजीशन में भी क्यों नहीं, चाहे आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, आप अगर अपने वेट को बैलेंस करके रखना चाहती हैं, आप अपने अपनी खूबसूरती को, अपने बॉडी शेप को, आप अगर स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहती हैं, इस शेप को मेंटेन करके रखना चाहती हैं, तो आप करना बस इतना है कि अपने अपने लेवल से आज ही से सभी आप लोगों के लिए मैं बताता चलूं कि हम लोग बहुत जल्द एक हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे हमारी हेतल जी ने, हेतल जी आप लोगों को ये 3 सीक्रेट्स टू रिड्यूस योर वेट और टू इंक्रीज योर वेट और यू कैन से टू मेंटेन योर वेट विद द पावरफुल होम रेमेडीज विद द सम पावरफुल टॉप थ्री सीक्रेट्स के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इसको अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल है, हितल जी ने अपना हेल्थ को रिड्यूस मतलब कमाया घटाया और अपने बच्चे के हेल्थ जिनका बहुत अंडरवेट था उनको बढ़ाया है, यानी दोनों का एक्सपीरियंस उनके पास है, राइट। तो आप लोग भी उनके एक्सपीरियंस को काम में लगा के आप अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी इस सीक्रेट को ग्रैब करके आप लोग भी सीख सकते हैं। ये जस्ट एंड जस्ट 3 मंथ का एक कोर्स रहेगा जहाँ पे हम लोग आप लोग के लिए लॉन्च करने चले हैं कि होल प्रोग्राम को लेके किस तरह से हाउ टू बिकम फिट रहो एंड फिट दिखो, ठीक है, ये स्लोगन हमारा रहेगा। जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, अभी आप लोगों को अभी ये सारी चीजें आप लोगों को ओवरव्यू दिया जा रहा है, बहुत जल्दी ये लॉन्च कर दिया जाएगा ये प्रोग्राम। जितने लोग अपने वेट को लेके कॉन्शियस हैं, अपने गुड हेल्थ के लिए डिजर्व, हर इंसान गुड हेल्थ डिजर्व करता है, मगर डिसीजन लेना आपका है, डिसीजन लेने का काम आपका हाथ पे है, ना कि मेरे हाथ पे।
तो ये एक प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरह कोई भी प्रोडक्ट को नहीं, कोई भी अदर चीजों को नहीं, सिर्फ होम बेस्ड रेमेडी के माध्यम से अपनी इन चीजों को सोल्यूशन कर सकते हैं, अपने सोल्यूशन पा सकते हैं, एक गुड हेल्थ पा सकते हैं, एक स्लिम एंड ट्रिम बॉडी पा सकते हैं, अच्छा दिखने वाला आप ये पा सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, आपका डिजायर हेल्थ पा सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए आपको अपने से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं वो इंटरेस्टेड लिख के या मेल लिख के चैट बॉक्स में या फिर हमारे ग्रुप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप एडमिन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 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 एनरोलमेंट आता जाएगा हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में आप लोग अपने आपको एनरोल कराएं, ठीक है। ये 3 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। इसके सारे डिटेल्स आप लोग को दे दिए जाएंगे जब ये एक फाइनली लॉन्च होगा उसको लेकर एक बार सेशन कर दिया जाएगा, तो आप लोग अपने आपको उसमें एनरोल करा सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। ओनली 3 मंथ्स का रहेगा, लंबा ये ज्यादा बड़ी सेशन नहीं होगी, लेकिन यस 3 मंथ के अंदर आपको एक ऐसा गाइडेंस दे दिया जाएगा, एक ऐसा डाइट चार्ट, एक ऐसा वे दिखा दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग अपने डिजायर हेल्थ को, वेल्थ को पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन को, राइट। जहाँ पे सिर्फ हेल्प को लेकिन नहीं, जहाँ पर मेरा भी पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर हेतल जी आप लोगों को सिखाएंगे बताएंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को कैसे करने उसका गाइडेंस भी आपको हमारे तरफ से मिलेगा। सो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए सेशन के अंत में बढ़ते हैं, टाइम ऑलरेडी हम लोग का ओवर हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग इतना ही, सेशन को हम लोग एंड करेंगे एक पावरफुल चक्रा हीलिंग के साथ। यस, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के साथ सभी करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि हम लोग जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं उन लोगों को चक्रा हीलिंग आती है और हम चक्रा हीलिंग खुद भी करते हैं अपने लिए, हम लोग को बताया भी जाता है स्पेसिफिक पे। तो आज हम लोग चक्रा हीलिंग करेंगे विथ ho'oponopono, राइट। तो सभी से रिक्वेस्ट है 15 मिनट के लिए मेडिटेशन हम लोग करेंगे, आप लोग को प्रोसेस बता दे रहे हैं कैसे करना है, बहुत बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। तो बस आप लोग करना इतना है कि सब अपने अपने मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं और इस चक्रा मेडिटेशन करने के बाद हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे, ठीक है। चक्रा मेडिटेशन ही क्यों, अदर्स मेडिटेशन क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे मेडिटेशन आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन चक्रा मेडिटेशन को हम लोगों ने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर कल मेंटल हेल्थ के ऊपर ही बोले, राइट। मुझे याद है तो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आप लोग इतना बता दें दोस्त कि वो आपका हेल्थ किसी चीज से भी कंसर्न क्यों नहीं रखता हो, किसी भी टॉपिक से रिलेट क्यों नहीं रखता हो, फिजिकल मेंटल हो या इमोशनल हो, कोई भी पार्ट में क्यों आपका हेल्थ कनेक्ट क्यों ना हो, अगर कोई भी फेज में आप चैलेंजिंग क्यों नहीं फेस कर रहे हैं, आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन यही है कि यू कैन जस्ट क्लीनिंग क्लीनिंग एंड क्लीनिंग योर डाटा विच रिलेटेड टू योर दैट पर्टिकुलर चैलेंज। यानी अगर आप मेंटल हेल्थ में हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, मतलब आपके मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ चैलेंजेस है, कुछ डाटा है जो पेंडिंग है, जो स्टक होकर है आपके अंदर, तो उसको क्लीनिंग की जरूरत है, राइट। तो आप ho'oponopono प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप डेली ho'oponopono चक्रा हीलिंग को अलॉन्ग विद कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग चक्रा हीलिंग एंड ho'oponopono, कोई इंसान अगर चक्रा हीलिंग एंड ho'oponopono ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ये सेशन, इस सेशन में हमेशा आप लोग को बताता हूँ कि हमारा हर एक एक सेशन में एक ऐसा पार्ट हम जरूर रखते हैं जो फर्स्ट टाइम होता है। इवन ये प्राइम मेंबर्स के लिए भी नया है, इवन आप सबके लिए भी नया है। प्राइम मेंबर्स ऑलरेडी सॉफ्ट की ho'oponopono चक्रा हीलिंग पे कैसे सन्ने तक आज तक नहीं बताया, राइट। सी लोग क्वेश्चन, बहुत सारे लोग के दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ दे दें और थोड़ा सा हम इनवाइट करेंगे हमारे प्राइम मेंबर्स आकांक्षा को और उनसे जानेंगे थोड़ा सा और कुछ ब्रीफ प्राइम सेशन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग आज मेडिटेशन करेंगे, फिर सेशन को रैप अप करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन में हम लोग क्या करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे अलॉन्ग विद ho'oponopono, तो थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आकांक्षा, वन ऑफ द आवर अनदर प्राइम मेंबर, एंड जस्ट कुछ आपसे सवाल करेंगे, प्लीज आप आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले आकांक्षा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड बीइंग विद अस विद सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लास्ट 6 सेशंस आप हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, and thank you so much for your trust and support and continuously support हम कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बात रही पूरी सेशन में आकांक्षा आपके लिए जो आपको कनेक्ट रखा इस सेशन के साथ, बहुत सारे मेंबर्स आए, बहुत सारे मेंबर्स चले गए, लेकिन आपको आपको क्या ऐसी चीज ने होल्ड करके रखा, क्या आपको कोई प्रेशर था या कोई इंस्पिरेशन था, आपको क्या फील होता है, जस्ट शेयर विद अस। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर। सर थैंक यू, मतलब मुझे मौका देने के लिए मैं बोल सर एक्चुअली आपसे तो मैं यूट्यूब से ही जुड़ी हूँ, एंड मतलब जैसे मैंने मैं शुरू शुरू में जब ग्रुप ज्वाइन की थी तो
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एडमिशन लूँ ना लूँ, तो ऐसे धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए। फिर मैं कांटेक्ट की और मैंने ट्राइंग, मैं 6 मंथ से जुड़ी हूँ। सर एक्चुअली मुझे एक अच्छा बात ये भी लगता है कि जब भी मतलब हमें कोई चीज़ का मतलब जरूरत होता है, जैसे सेशन हो जाने के बाद एक इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, मेंटर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपना पर्सनल ये बता रही हूँ कि मुझे जब भी मुझे कुछ समझ ना आया हो, या जब भी सर ने टाइमिंग तो दे दिया है कि इतना सीखना, लेकिन जब भी मुझे कोई चीज मतलब ज्यादा हर्ट करे या फिर कुछ मेंटल मतलब जैसे नेगेटिविटी आ जाए, तो मैं सर को एक मैसेज करूँ, सर के लिए कॉल लूँ, तो सर जैसे भी करके वो जहाँ पे भी बिजी रहे वो मतलब अवेलेबल हो जाते हैं। और रहा बात सेशन का, तो 6 मंथ जो मैं बोलूंगी कि हम लोग बहुत लकी है, एक्चुअली वी आर लकी बैच, कि 6 6 मंथ में जो एक एक फॉर्मूला जो भी सिखाया गया है ना, अगर मतलब वो बहुत ही वास्ट नॉलेज है, बहुत ही वास्ट नॉलेज है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है एक्चुअली। बहुत ही ज्यादा प्रेशियस सेशंस होते हैं, अगर कोई ध्यान से उसको सीखे भी तो वो बहुत ही वास्ट नॉलेज है, बहुत ही ज्यादा। और मैं पहले तो मेरे मेरे पर्सनल इशू के लिए आई थी, लेकिन मुझे करके जो टाइम सेशन थे, मुझे ये समझ आया कि पहले खुद खुद के साथ, खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी और एक बात मुझे वो बोलो प्रेयर एक्चुअली मैं बहुत 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 मैं उसे बहुत मानती हूँ, और ये सर भी जानते हैं। और बात ये है कि वो बोलो प्रेयर मैं करते करते मेरे जो अलग जो मैं जो एक पर्टिकुलर इशू के लिए आई थी, लेकिन बाकी भी मेरे बहुत सारे इशू हैं बोल के मुझे पता चला, मुझे जी वे दिखा कि नहीं इधर भी काम करना है और इधर भी काम करना है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा था वो सब मैं धीरे 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 जानती गई। और प्रेयर एक्चुअली में सर हर एक सेशन में नए नए टिप्स देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा मतलब मैं बोली ना कि जो जो सर सिखाए हैं 6 महीनों में, लिटरली वो एक वास्ट नॉलेज है, वास्ट नॉलेज, सबको जानना चाहिए वो नॉलेज के बारे में। और मेरे अंदर अभी मैं धीरे 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 जो भी मेरे चैलेंजेस हैं ना, उनसे वर्क कर रही हूँ। और मुझे पता है कि डिवाइन ने मुझे ये मतलब सेशन में ज्वाइन करवाया है, तो मैं डेफिनेटली मेरे हर चैलेंजेस हर इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं और आगे भी सॉल्व होंगे। और सर और एक बात मैं श्रेया जी के बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा इशू है, मैं जो पर्सनली नहीं बता सकती, लेकिन मुझे याद है एक 1 मंथ पहले का बात है, मैं श्रेया जी से मैं मैसेज की थी और मैं उनको जी बुलाती हूँ कि पता नहीं हो जाता है इसको कनेक्शन में, तो सर के थ्रू से ही मैं उन्हें जानी हूँ। और सर भी मतलब बोलता है दीदी के बारे में भी, श्रेया जी के बारे में भी सर बहुत बोलते हैं कि मतलब वो बहुत मतलब वो हम लोग के साथ स्टूडेंट, हम लोग जैसे शुरू किए थे वो भी ऐसे ही शुरू किए थे, वो अब एक मेंटर बन चुकी है। और मैं बोली तो मैं मुझे याद है मैं श्रेया जी को बोली थी दीदी और ऐसा ऐसा इशू है और आप प्लीज मतलब कुछ बताएं, तो दीदी ने बोला था कि मतलब टेंशन मत लो, हम हैं, हम सब हैं। तो उन्होंने मैं बिना कंसल्टेशन में उनसे कंसल्टेशन भी नहीं ली थी कुछ नहीं, उन्होंने मेरे साथ मुझे पूरा याद है, उन्होंने रात को मैं टाइम भी बता सकती हूँ 11 बजे से शायद तक 10:30 से 11, 1 घंटा उन्होंने बिना कंसल्टेशन की मेरे से बात किया। और वो हर एक चीज मेरा सुने, पर्सनली मेरा हर एक चीज सुने, तो बिना कंसल्टेशन किए भी उन्होंने मतलब मुझे इतना टाइम दिया और उन्होंने बताया कि तुम इसे फॉलो करो। और उन्होंने ये तक भी कहा कि मतलब तुम एक्चुअली मेरा गलती है, मैं मानती हूँ थोड़ा कभी कभार एक्चुअली डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन ट्रैक में आ भी जाती हूँ, क्योंकि सर हैं, सर सर तो क्या बोलूँ मतलब श्रेया श्रेया दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि और तुम हम जो दे रहे हैं उसे फॉलो करो, मतलब कंसिस्टेंट के साथ फॉलो करो। और सर ने भी बहुत कुछ बताया है, और लिटरली मैं ऐसा कहीं मैंने ग्रुप नहीं देखा है जहाँ पे मतलब फ्री में भी इतना एक एक घंटा कोई मतलब टाइम देगा। और सर सर तो अपने
क्या ही बोलूँ, मतलब अपने बिजी शेड्यूल से भी हम वो टाइम निकाल के हमें टाइम देते हैं। और थैंक यू शेयर जी, थैंक यू सो मच, मतलब आप लिटरली मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और थैंक यू शाहरुख सर, आपने मतलब ये ग्रुप के जरिए इतने लोगों मतलब बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स के साथ हमें मतलब जुड़ाया। और मैं इतना बोलूँगी सर, मैं बोल नहीं सकती, बोलूँगी तो बात खत्म ही नहीं होगा सर। हम समझ पा रहे हैं आकांक्षा आपके एक्साइटमेंट को, आई रियली अप्रिशिएट। यस सर, और एक अच्छा कनेक्शन भी हो गया है। और एक बात मैं हमेशा मतलब सर को भी बोलती हूँ कि मैं जब ऐसे सेशन में बैठी रहती हूँ, प्राइम सेशन का बात चलता रहता है, तो मैं बैठी रहती हूँ, थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ होता है, तो सर पता नहीं कैसे जान लेते हैं मेरा मन का बात। और सर मैं जस्ट सर को अगर कोई भी चीज के लिए मैसेज कर रहा हूँ तो सर मुझे मैं बोलने से पहले ही सर बोल देते हैं, तो ये एक तो कनेक्शन हो गया है। और श्रेया जी के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, इतना थोड़ा सा टाइम में इतना अच्छा कनेक्शन। और दीदी बहुत अच्छी है, लिटरली वो बहुत ही अच्छी है, दीदी तो बहुत अच्छी है। और अगर कोई मतलब जिसका कनेक्शन जिसका वाइब जिसके साथ मैच करता है वो एक रिलेशन में चेंज हो जाता है, तो मेरे लिए लिटरली मैं हमेशा हमेशा मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं ये ग्रेटिट्यूड बोलती, पहले नहीं करती थी क्योंकि मैं मुझे इतना समझ नहीं था ग्रेटिट्यूड का, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे डेली सुबह उठते साथ ही करती हूँ कि मतलब किस्मत वालों को मिलता है इतना अच्छा ग्रुप, मतलब हर कोई इतना अच्छा ग्रुप है, हर कोई हर किसी को इतने अच्छे मेंटर्स नहीं मिलते। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। और मेरे से कोई भी अगर कुछ भी अगर गलती हो गया होगा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और मैं इतना ही बोलूंगी बस। Thank you so much, Akansha, for sharing your experience, feedback, review also. Thank you so much. Thank you. Okay. So, actually, हम लोग का session का time already over हो चुका है, right? Sir, कितना अभी time हो रहा है आपको बता पाएंगे थोड़ा सा? Yes, sir, बताएं. 8:48, okay. Thank you so much. It's about to 9:40. रखो जो मैंने बोला था, जो सर बोले थे, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड देर इज अ बॉन्ड, this is called divine bond. So khud ka care karo, jo aaj ka session ka jo wo highlight tha, stay fit, stay happy. Okay sir, thank you so much. Great, to chaliye session ko hum log complete karte hain with a meditation of chakra healing. Chakra healing ke bare mein kabhi hum log aaram se batayenge, lekin jitne yahan pe kitne members hain jo abhi already chakra healing ke bare mein jante hain lekin kabhi purna purna ke sath chakra healing nahi kiya. I believe most of the members are well known, right? Chakra healing के बारे में. Yes. Chakra healing के बारे में थोड़ा सा basic देते हैं हम आप लोगों को, जिनके लिए एकदम नया है कि chakra healing. देखिए, ये कोई मतलब कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि ये कोई religion based meditation है या कुछ ऐसा नहीं. हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान के अंदर चाहे वो जिस भी धर्म से हो, इंसान सब इंसान के अंदर materials वही है. ये बात याद रखें कि हम सब के अंदर प्रोडक्ट्स मटेरियल्स सेम है, ब्लड सेम है, हार्ट सेम है. यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू है तो उसके अंदर हार्ट ग्रीन कलर का है, कोई मुस्लिम है तो उसके हार्ट उसके अंदर व्हाइट कलर का उसका हार्ट है, या उसके पार्ट्स अलग है, इसके पार्ट्स अलग है. जैसे अलग अलग कंपनियों के फोन अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, लेकिन एक सोच के देखें, हम लोग सब अलग अलग जाति से तो हैं, लेकिन है हम लोग पर्टिकुलरली इंसान. दैट इज व्हाई हम सबके अंदर का प्रोडक्ट सब एक ही है. और यही सबसे बड़ा सिंबल है कि हम लोग आए हैं एक ही जगह से, अब जाएंगे एक ही जगह, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाते हुए, इतना बताएंगे कि किसी भी मेडिटेशन को, किसी भी प्रेयर को, किसी भी रिलीजन के साथ नहीं जोड़ें जब तक आप. और हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर आप किसी और रिलीजन के मंत्र को पढ़ रहे हैं या चैंट कर रहे हैं तो फिर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या आपका ये हो जाएगा. तो देखिए, ये सारा कुछ जो है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कोई इंसान अगर आपको बोल दिया ना कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उसने आपने उनके बातों को बिल्कुल सीरियसली ले लिया और आपके दिमाग में वो बैठ गया, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया.
अगर आप सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर के बात नजदीक और मेरे नजदीक न्यायपूर्ण है, तो फिर आपका धर्म कोई बच नहीं कर सकता, राइट। आपके धर्म के मालिक यहाँ पे क्या है कि आपका कनेक्शन यहाँ पे, देखिए आपको एक बात याद रखें कि आप रिलेशन में एक किसी का हस्बैंड हो सकते हैं, किसी का वाइफ हो सकते हैं, या किसी का दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हम सब अपने मालिक के नजर में क्या है पता है, हम लोग किसी के लिए भाई है ना, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए हस्बैंड है, लेकिन ईश्वर के नजर में हम लोग सब सोल है, सब सोल है हम लोग ईश्वर के नजर में, राइट। हम किसी का दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनका दोस्त हैं इस हिसाब से मेरा आइडेंटिटी हुआ जाएगा ना, मेरा आइडेंटिटी बस उनके पास ईश्वर के पास यही है कि वो सोल है, हम लोग सब एक सोल है। तो सोल की नजर से अगर देखें तो हम लोग जो भी मेडिटेशन करें, जो भी प्रेयर करें, उस प्रेयर में हम लोग सिर्फ अपने सोल को प्योरीफाई करने के लिए, अपने आप को प्योरीफाई क्लीन करने के लिए हम लोग मेडिटेशन को करते हैं, और मेडिटेशन हम लोग कभी भी किसी भी समय एज पर योर कन्वीनियंस आप कर सकते, राइट। तो चक्र हीलिंग मेडिटेशन में क्या होता है, हमारे बॉडीज में कुछ एनर्जी सेंटर है जिसे हम लोग डीएनए भी कहते हैं, राइट। तो अगर आप बॉडी के डीएनए को अगर देखो ना, तो बॉडी के डीएनए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो बॉडी का डीएनए जहां जहां मिलते हैं ना, जहां जहां जुड़ते हैं, जहां जहां मिलते हैं, वहां एक एक सेंटर, वहां एक प्रकार का दो तरह का एनर्जी, यानी हम आपको को पता है पूरे यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जी बिलोंग करता है, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मेल एनर्जी, राइट, हम सभी को पता है। तो यही फेमिनाइन और मेल एनर्जी जब हमारे, जिसे हम लोग इन यंग एनर्जी भी कहते हैं, राइट, तो यही इन यंग एनर्जी जब हमारे बॉडी में जब एक दूसरे को क्रॉस करता है ना, तब उस क्रॉस के सेंटर में एक एनर्जी क्रिएट होता है। जैसे आप पानी में अगर एक बड़े से भारी चीज को फेंकोगे तो कैसे वहां एनर्जी का एक फ्लो क्रिएट होगा और एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगा, उसी तरह से जब दोनों एनर्जी फेमिनाइन और मस्कुलिन, राइट, ये दोनों एनर्जी जब एक साथ कनेक्ट हुआ तो जैसे एक दूसरे के साथ टच में आया तो वहां एक नया एनर्जी क्रिएट हो गया। तो समझ गए इसको, और थोड़ा अगर ओपन करके आप बोले बी ओपन बी जस्ट प्रैक्टिकल, जब एक हस्बैंड और वाइफ जब एक पुत्र को जन्म देते हैं तो वहां क्या हो रहा है, वो दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन में एक नया एनर्जी सामने आ रहा है, वो बच्चे के रूप में आता है, राइट। इसी तरह से हमारे बॉडी में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां एक ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को क्रॉस करता है। उसके अलावा भी मेन मेजर सेवन सेंटर्स ऐसे हैं विद इन बॉडी जहां पर हमारा दोनों एनर्जी इन यंग एनर्जी एक दूसरे को क्रॉस करता है। जहां जहां ये क्रॉस कर रहा है वहां एक सेंटर, वहां एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रहा है जिसे हम लोग चक्र कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का साइड जो होता है ना सेप, वो चक्र की तरह होता है और उसका घूमने का जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो क्लॉक वाइज घूमता है, राइट। दैट इज वाई उसको हम लोग व्हील के साथ मैच करते हैं, व्हील के साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो चक्र है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेवन चक्र। लेकिन अगर डीप में आप लोग थोड़ा सा समझे तो इसका मेन ये बात है कि इन यंग एनर्जी एक दूसरे के साथ जब मिल रहे हैं और फिर ऊपर जा रहे हैं, ऐसा जब मिल रहे हैं तो एक एक सेंटर में एक एक एनर्जी पॉइंट क्रिएट हो रहा है। ये एक एक पॉइंट ये उस जगह के बाकी बॉडी के उन ऑर्गेन्स को, उस एनर्जी, वो एनर्जी उन बॉडी के बाकी उन ऑर्गेन्स को सपोर्ट दे रहा है। अब समझ गए, यानी अगर हमारे क्राउन चक्र से लेके हमारे एकदम गुदा तक, यानी एकदम स्पाइन जहाँ खत्म हो रहा है, हमारे पीछे का जो स्पाइन कॉर्ड है वो जहाँ खत्म हो रहा है वहां तक सेवन सेंटर्स आते हैं हमारे चक्रास के। तो आप सोच के देखिए जहां जहां एक एक चक्र का पॉइंट यानी एक एक सेंटर है एनर्जी, वहां से वो एनर्जी क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे उसके आसपास में हमारे बॉडी के जो ऑर्गेन्स है, जैसे समझ लीजिए यहाँ हमारा एक चक्र है जिसे हम कढ़ाई चक्र कहते हैं, इसे आप चक्र का नाम से अगर नहीं जानेंगे, आप जस्ट सोचे कि ये इन यंग एनर्जी का एक सेंटर है जहां ये दोनों एनर्जी एक दूसरे से क्रॉस हुआ है, तो यहाँ जो क्रॉस हुआ तो इसकी वजह से यहाँ से जो एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, वो आपके यहाँ के ऑर्गेन्स को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ के ऑर्गेन्स को पावर दे रहा है, राइट। यहाँ का ऑर्गन जैसे आंख हो गए, नाक हो गए, आपके आईब्रोज, आपके स्किन, आपके टोन, आपके माउथ, आपके ईयर, इन सारों को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसको कहाँ से, जैसे आप इसको इस तरह से समझें कि मेन पावर हाउस कहीं और है, मेन पावर हाउस का डैम, यानी होता है ना डैम जहाँ पर वाटर को स्टोर करके हम लोग इलेक्ट्रिक बनाते हैं, उसके बाद उस वाटर उस इलेक्ट्रिक को सप्लाई करते हैं सिटी के अंदर, तो इसी तरह से हमारा मेन डैम है वो यूनिवर्स है। लेकिन ये यूनिवर्स जो एनर्जी हमारे अंदर सप्लाई हो रही है उसका एक एक सेंटर है ये चक्रास, जिसे हम चक्रास कह रहे हैं। आप चक्रास नहीं कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक एक एनर्जी सेंटर। तो इस तरह के हमारे बॉडी में सेवन मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं, जिस सेंटर्स से हमारे बाकी उस ऑर्गेन के उससे रिलेटेड जो ऑर्गेन है उन सेंटर के आसपास जो ऑर्गेन होल्ड कर रहा है या बिलोंग कर रहा है उनको सप्लाई देता है। सब क्लियर हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, आसानी से समझ पा रहे हैं आप लोग सेवन चक्र का ये साइंस।
तो इसी तरह से आप समझ लीजिए थ्रोट चक्र जो है, थ्रोट चक्र का हमारा यहाँ पर ही सेंटर होता है, तो इसे हम समझ लीजिए हमारा एक एनर्जी सेंटर है। तो अब यहाँ एनर्जी सेंटर से यहाँ का जो एनर्जी फ्लो हो रहा है ये किसे सपोर्ट दे रहा है, ये हमारे थ्रोट को, हमारे थायराइड ग्लैंड को, यानी इससे जुड़ा जो भी ग्लैंड्स हैं, हमारे नीक को, हमारे शोल्डर्स को, राइट, इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत है, इस बॉडी पार्ट को चलाने के लिए बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत है वो इस सेंटर से मिलता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, जिसे हम लोग दूसरे रूप में चक्र कह रहे हैं, व्हील्स कह रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में सेवन पार्ट, सेवन सेंटर्स हैं, सेवन चक्रास हैं, व्हील्स हैं, जहां से एनर्जी, इन यंग एनर्जी गुजरता है, एक नया एनर्जी को जन्म देता है, और वो नया एनर्जी इन हमारे बॉडी की, विद इन आवर बॉडीज के अंदर से उस चक्र सेंटर के आसपास में जितने ऑर्गेन्स हैं उनको सपोर्ट देता है, उसे हेल्दी रखता है, उसे नर्चर रखता है। और इस मेडिटेशन को करने से क्या होता है, ये सेंटर्स में जो एनर्जी का फ्लो है वो बैलेंस्ड रहता है। हो सकता है ना कि आपका यहाँ एनर्जी बहुत है, यहाँ एनर्जी कम गया है, यानी इस पावर हाउस में एनर्जी बहुत है और इस पावर हाउस में एनर्जी कम गया है, हार्ट में आपका एनर्जी कम गया है, आपके नेवल में आपका एनर्जी कम गया है। तो जब एनर्जी कम जाएगा, सोच के देखें, आपके सिटी में अगर पावर सप्लाई कम जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगा तो क्या होगा, आपका घर का लैपटॉप नहीं चलेगा, फोन नहीं चार्ज होगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा, सब बंद, शट डाउन, स्टक हो जाओगे, हमारा लाइफ स्टक हो जाएगा। तो जैसे ये करंट ऐसे लाइफ में हो रहा है, इसी तरह से हमारे प्रेजेंट लाइफ, हमारे बॉडी के अंदर में भी एक ऐसा सिटी है, पूरा एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी जरूरत के लिए ही इन सेंटर्स से एनर्जी फ्लो होती है, और जिसे हम लोगों को बैलेंस रखना है, दैट इज व्हाई हम लोग मेडिटेशन को करते हैं, राइट। तो जितने हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन लोग स्टे कर जाएंगे, ठीक है, सेशन में हम लोग मेडिटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे जनरल मेंबर्स के लिए ये सेशन एंड होगा, तो हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए बिगिनिंग होगा, और ये इस बात को दर्शाता है कि कोई चीज एंड नहीं होता है, एंड इज अनदर बिगिनिंग, राइट। तो थैंक यू सो मच श्रेयस, ने मुझे बता दिया कि 8:57 हो गए, क्योंकि हमारे 9 बजे से प्राइम सेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज सभी को, आप लोगों को ये हम अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग मेडिटेशन तक हमारे साथ जुड़े रहें, मेडिटेशन को हमारे साथ करें कंटिन्यू, उसके बाद आप लोग एक एक करके लीव ले लें, उसके बाद हम लोग कुछ 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद आवर प्राइम मेंबर्स, ओके, ग्रेट, चलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चक्र हीलिंग को आज कंप्लीट करते हैं। आज हम चक्र हीलिंग करेंगे, आज हम मेरे पास ऐसे चक्र हीलिंग का किट आता है, जैसे जैसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, ये 12 चक्रास, आप लोग, हम लोग 7 चक्र के बारे में बता रहे हैं, इवन हमारे बॉडी में 12 चक्रास के लिए भी है मेडिटेशन जो एडवांस लेवल में कराया था। तो ये आप लोग जो देख पा रहे हैं क्रिस्टल्स मेरे पास, ये 12 चक्र का एक सेट है जिसे हम लोग वर्चुअली तो करवा नहीं सकते, क्योंकि स्कूल करवाने के लिए आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा, क्लिनिक में आपको आके रेस्ट करके आपके बॉडीज में चक्रास की स्टोन्स को रखे जाते हैं, इस क्रिस्टल को, उसके बाद आपको चक्र हीलिंग दिया जाता है, ठीक है। तो आज मैं इसमें से आप लोगों के लिए, ताकि ये एनर्जी हमारे माध्यम से आप तक भी जाए, मैं एक पर्टिकुलर स्टोन को, जो ग्रीन एवेंजुरिन है, क्रिस्टल है, उसको लेके मैं इस चक्र हीलिंग को कम्प्लीट करूंगा। आप लोगों के पास अगर कोई कोई स्टोन है तो आप लोग अपने हाथ में सिंपली उस स्टोन को रख लें, ठीक है, उस क्रिस्टल को अपने हाथ में रख लें। मैं ग्रीन एवेंजुरिन को लेकर कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलग फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, मैं कभी बाद में बताऊंगा। और अपने हाथों में जस्ट इस तरह से होल्ड करें और हाथों को अपने गोद पे रखें, ठीक है। सभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में आ जाएं, सभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में आ जाएं जी, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। करना क्या है, करना बस इतना है कि मैं आप लोगों को जस्ट आप लोगों के चक्रास को एंड कलर्स को मेंशन करूंगा, आप लोग सिर्फ कलर्स को एंड चक्रास को विजुलाइज करने की कोशिश करोगे। अगर आप लोग कलर्स को विजुलाइज नहीं कर पाओ तो कलर से जुड़ा कोई भी फ्रूट या फ्लावर को आप लोग विजुलाइज करोगे, ताकि उस कलर को आप विजुलाइज कर सको और इमेजिन करोगे वो कलर उस पॉइंट से निकल रहा है, वो एनर्जी आप अब्सॉर्ब कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, ऐसा भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। जब हम बोलेंगे रेड तो आपको सोचना है कि आप एक रेड कलर की एनर्जी जोन में हैं और रेड कलर की एनर्जी आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। उसका जैसे जैसे कलर बोलते जाएंगे आप लोग उस तरह से एक एक चक्र से कलर्स को आप लोग मेंशन करेंगे। हम लोग आज होपोनोपोनो से चक्र हीलिंग को करवा रहे हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को बस कलर विजुलाइज करना है और हर चक्रास में हम लोग रुकेंगे और 9 टाइम्स करके एक एक चक्रास में हम लोग होपोनोपोनो क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चक्रास में कोई ब्लॉकेजेस अगर हैं, कोई स्टक अगर है, कहीं एनर्जी का अगर डिफिशियंट है, तो वो एनर्जी का डिफिशियंसी कम हो जाएगा,
ठीक है, वो हमारे मेमोरीज के वजह से ही होते हैं, ठीक है, हमारे बैड थॉट्स के वजह से ही वहाँ पे डिफिशियंसी होता है एनर्जी का। तो हर एक एक चक्र में हम लोग दो दो मिनट करके रुकेंगे और हर एक एक चक्र में हम लोग नौ नौ बार करके, कितने बार करके, नौ नौ बार करके करेंगे और इस तरह से हम लोग पूरा मेडिटेशन को कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं एंड जस्ट क्लोज योर आईज, अपने अपने आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, अपने पीछे के बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो पीछे का वॉल का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल वॉल के साथ अपने आप को लगा के बैठें ताकि आपका पीछे का बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा एंड अपने पूरे फोकस को अपने ब्रीथ में ले आएं, अपने पूरे ध्यान को अपने सांसों में ले आएं, अपने पूरे ध्यान को अपने सांसों में ले आएं। अ डीप इनहेल, गहरी सांस भरें, गहरी सांस भरें, एक नया तरीके से आज हम लोग सेशन को करेंगे, मेडिटेशन को करेंगे, गहरी सांस भरें और अपने स्पाइनल, अपने स्पाइन के बेस को, जहां पे हमारा गुदा होता है, राइट, उस गुदा को, उस पोजीशन को जहां हमारा रूट चक्रा होता है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बेस में, उस रूट चक्रा के पोजीशन को विजुअलाइज करें, उस रूट चक्रा के पोजीशन को विजुअलाइज करें और हार्डली 5 to 10 seconds के लिए सांस लें, यानी सेकंड कुछ सांस भरें और 5 to 10 seconds के लिए होल्ड करें। कहाँ होल्ड करना है? अपने रूट चक्र के वहां, यानी आप यकीन इस तरह से आंखें बंद करके विजुलाइज करोगे कि आपने सांसों को रोक लिया है कुछ देर के लिए और वो सांसें आपके रूट चक्र पे होल्ड करके रहे। ठीक है, इस तरह से हम 7 times सांस लेंगे और एक एक चक्र पे होल्ड करेंगे 5 seconds करके। ग्रेट, क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2-3 बार इनहेल एंड एक्सहेल कर लीजिए, यानी नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, 2 to 3 बार कीजिए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, नाक से गहरी सांस लें और अपने उसे मुंह से छोड़ दें। ग्रेट, 2 to 3 बार जस्ट करना है। ग्रेट, अब हम लोग एक एक करके पहले श्वासों के माध्यम से एक एक चक्रास में अपने ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। अब आपको लंबी गहरी सांस लेना है, कैसे करके सांस लेना है, जैसे आप सोचो साइकिल में आप पाम भर रहे हो, साइकिल में जब आप पाम करते थे छोटे के समय में आप चले जाए, और जब साइकिल में पाम करते थे कैसे साइकिल में आप थोड़ा थोड़े करके सांसें भरे, तो इस तरह से आपको थोड़ा 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 के सांस भर के बिल्कुल उस जगह को फुल कर देना है ऑक्सीजन से, यानी अपने रूट चक्र, अपने एकदम स्पाइनल के उस बेस को, राइट। तो चलिए सांसें भरें, आप धीरे धीरे करके सांसें भरें, जितना धीरे धीरे सांसें लेंगे, यानी ऐसे कि जितना थोड़ा थोड़ा के सांसें लेंगे उतना ज्यादा ज्यादा सांसें अंदर ले पाएंगे अपना, और सांसें लेके एकदम वहां अपने रूट चक्र को इमेजिन करें, उस पोजिशन को इमेजिन करें और होल्ड करके रहें 5 seconds, देन उसे अपने नाक से, नोज से रिलीज कर दीजिए। ठीक है, मेरे साथ करेंगे, स्टार्ट, इनहेल, होल्ड एंड जस्ट विजुअलाइज कीजिए आपके रूट चक्र पे ऑक्सीजन होल्ड होकर है और उस जगह के ब्लॉकेजेस को क्लीन कर रहा है, उस जगह में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको एक सेंसेशन हो रहा है। जस्ट अपने रूट चक्र के पोजीशन को विजुअलाइज कीजिए एंड उस देर सांसों को वहां रोक कर रखिए एंड देन एक्सहेल। इस तरह से एक बार हो गया, फिर सांसें भरें, फिर डीप ब्रीथ लें, धीरे धीरे करके सांसें लें। अब आपको अपने सेकंड चक्र यानी आपके सैक्रल चक्र के वहां आपको होल्ड करना है, यानी आपके नेवल के 2 inches नीचे। अब अपने नेवल के 2 inches नीचे पोजीशन को विजुअलाइज कीजिए, ठीक है,
ग्रेट। अब वहां अपने सांसों को होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए 5 से 10 सेकेंड, अपने सांसों को होल्ड करके रखें, जितना देर आपसे पॉसिबल हो सके आप होल्ड कीजिए, उसके बाद आप रिलीज कर दीजिए माउथ से। ग्रेट। अब फिर गहरी सांस लेंगे। अब हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्र जो हमारे नाभि नेवल के ऊपर होते हैं वहां पे अब हम लोग सांस को भरें, गहरी सांस लें और अपने सोलर प्लेक्सस के जगह पे सेंटर में, जहां आपका सोलर प्लेक्सस सेंटर है, एनर्जी सेंटर, वहां अब आपको सांसों को होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकेंड, एज मच एज यू कैन होल्ड करके रखें अपने सोलर प्लेक्सस के पोजिशन में, सेंटर में, ठीक है, होल्ड करके रहें। जब तक आपसे हो पाए होल्ड करके रहें, देन रिलीज कर दीजिए, अपने मुंह से सांसों को निकाल दीजिए। ग्रेट। ग्रेट। अब हम लोग फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए और अब अपने अनाहत चक्र यानी आपके हार्ट चक्र जो आपके दोनों चेस्ट के बीचों बीच है, अपने हार्ट चक्र पे यानी अपने हार्ट के वहां आपको ऑक्सीजन को होल्ड करना है। सांसें भरें बिल्कुल, अपने सांसों को बिल्कुल भरें और अपने हार्ट में सांसों को होल्ड कर दें कुछ देर के लिए, 5 से 10 सेकेंड के लिए सांसों को होल्ड रख दें अपने हार्ट चक्र के आपके दोनों चेस्ट के बीच में होल्ड रखें। आप देखोगे आप अपने हार्ट की आवाज को भी सुन पा रहे हो, हार्ट बीट को सुन पा रहे हो, बहुत सारे लोग इसे एक्सपीरियंस करेंगे। जब तक आपसे होल्ड कर पाए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को होल्ड करें, उसके बाद सांसों को अपने मुंह से एक्सहेल करें। ग्रेट। अब फिर से सांस भरें, पूरी सांस को भरें, पूरी सांस को भरें और अपने थ्रोट में यानी अपने थ्रोट चक्र जहाँ थ्रोट सेंटर है आपका, जहाँ आपका थायराइड ग्लैंड होता है, उस थायराइड ग्लैंड के वहां अपने थ्रोट चक्र में अपने सांसों को रोक दें। जब आप रोकोगे तब आपका जो गला है, नीक है, वो थोड़ा फूल जाएगा, मगर आपको कुछ देर होल्ड करके रखना है सांसों को अपने थ्रोट के वहां। होल्ड करके रखें, सांस बिल्कुल लंबी लें, अपने उस जगह को इमेजिन करें थ्रोट को और वहां ऑक्सीजन आप उस देर होल्ड कर रहने दें, ऑक्सीजन को रहने दें, उसके बाद आप रिलीज कीजिए 5 से 10 सेकंड के अंदर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ग्रेट। अब अपने सांसों को बिल्कुल फिर से भरें और अब अपने थर्ड आई में अपने सांसों को होल्ड करना है यानी अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपने सांसों को होल्ड करना है, ठीक है। लंबी सांसें भरें और जस्ट आपको अपने थर्ड आई को विजुलाइज करना है और अपने सांसों को वहां आप इमेजिन करें कि आपके सांसें आप वहां होल्ड करके रखें। जब आप सांसों को अपने थर्ड आई पे होल्ड करते हो आपके पूरे फेस में एक अजीब किस्म का सेंसेशन होगा, आपको एक अजीब किस्म का शूटिंग फीलिंग होगा। जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड एंड रिलीज, रिलीज। ग्रेट। तो ये था हमारा थ्रोट चक्र तक हम लोग अपने ऑक्सीजन को, क्योंकि थ्रोट चक्र ही ऐसा चक्र है जो हमारे बॉडी में रहता है, हमारा जो थर्ड आई, हमारा जो क्राउन चक्र है वो हमारे फिजिकल बॉडी से ऊपर है, राइट,
सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ तक ही ऑक्सीजन को होल्ड किए, अब हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए अपने छठे चक्रास यानी छठे सेंटर्स तक, यानी ऑक्सीजन से आप सबको भरपूर कर दिए हैं। अब आपका बॉडी बिल्कुल अलाइनमेंट में है, आपका बॉडी बिल्कुल बिल्कुल अब अलाइनमेंट में आ चुका है। अब आपको अपने रूट चक्र में होपोनोपोनो देना है, यानी 9 बार करके होपोनोपोनो करना है, ठीक है। तो चलिए अब आप रेड कलर की एक कलर को विजुअलाइज करें और अपने पूरे फोकस को, अपने सांसों को एकदम, अपने सांसों के रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, अपने ब्रीथ के रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए और पूरे फोकस को आप अपने रूट चक्र पर ले जाए और रेड कलर की एप्पल, रेड कलर की रोज, रेड कलर की साड़ी या कोई भी ऐसा रेड कलर, होली का रंग रेड कलर, इस तरह के रेड कलर को अपने बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। श्वास जो आप अंदर ले रहे हैं और श्वास जो छोड़ रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप रेड कलर की ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं और रेड कलर की ऊर्जा ही आपके शरीर से बाहर जा रही है। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है, अपने पूरे फोकस को इस विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट करके और मेरे साथ मन ही मन मेरे साथ चैंट करें, जस्ट मेरे साथ जैसे मैं चैंट कर रहा हूँ, मन ही मन में नहीं, आपको आउट लाउड ही कहना है, ठीक है। चैंट करेंगे, माय डियर बॉडी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी for whatever situation I am facing right now. I am the most responsible person for my own health, own wellness, for my own body. And I appeal to divine and I appeal to universe, to God, I'm sorry for all the limiting beliefs that I have, that I hold on my subconscious mind. Please forgive me for all the unwanted limiting beliefs. Thank you for helping me to clean my memories, my beliefs, my programming, my bad patterns. And I love you for being with me as always. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. अब अपने ध्यान को अपने सैक्रल चक्र पर ले आए, जो आपके नाभि के ठीक 2 इंच नीचे है। अपने ध्यान को, अपने पूरे फोकस को उस चक्र पर ले आए। ऑरेंज कलर की ऊर्जा, ऑरेंज कलर का कोई भी फ्रूट, ऑरेंज कलर का कोई फ्लावर को आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, याद कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। श्वास को आप जो भर रहे हैं अपने अंदर, यकीन कीजिए कि ऑरेंज कलर की ऊर्जा को आप अपने अंदर भर रहे हैं और ऑरेंज कलर की ऊर्जा ही आप अपने अंदर से बाहर की ओर छोड़ रहे हैं और अपने पूरे फोकस को
अपने सेकंड चक्रा पे रखते हुए मेरे साथ को पुनः पुनः करें. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. अब अपने ध्यान को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ले आएं, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे अपने ध्यान को लगाएं. येलो कलर की ऊर्जा, येलो कलर की कोई भी फ्लावर, कोई भी फ्रूट, कोई भी ऐसे चीज को विजुलाइज करें जो आपको येलो कलर की याद दिलाता है, जो येलो कलर की विजुलाइज करने में आपको हेल्प करता है. अब अपने ध्यान को सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर रखें जो आपके नेवल से 2 इंच ऊपर है. अपने पूरे ध्यान को अपने बॉडी को सेंटर पे ले जाएं और इमेजिन करें कि येलो कलर की ऊर्जा आप श्वास के माध्यम से अपने शरीर में भर रहे हैं और जब आपके श्वास बाहर जा रही है तो येलो कलर की ऊर्जा ही आप छोड़ रहे हैं. अब आप इसमें अपना प्यार, ग्रेटिट्यूड, आभार, काइंडनेस, लव, डिपेंडेंस दे इस चक्र में. मेरे साथ कहें, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. अब अपने ध्यान को, अपने ऊर्जा को धीरे धीरे अपने ऊपर की ओर उठाएं. धीरे धीरे इमेजिन करें कि वो ऊर्जा आपके ऊपर की ओर उठ रही है. अब अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पे ले आएं, जो आपके दोनों चेस्ट के बीचों बीच है. ग्रीन कलर की रोशनी को इमेजिन करें. ग्रीन कलर का कोई भी लीप, कोई भी पेड़, ग्रीन कलर का कोई भी वादी, ग्रीन कलर को विजुलाइज करें और अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लगाएं. अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लगाएं और इमेजिन करें कि आप जो श्वास ले रहे हैं श्वास की कलर ग्रीन है. आप जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास की कलर ग्रीन है और जो आप श्वास छोड़ रहे हैं उसके कलर भी ग्रीन है. अब आप अपने हार्ट चक्र पे हो कोनो कोनो देंगे. से विथ मी लाउडली, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
प्लीज प्रदीप मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू बहुत अच्छा आप अपने ध्यान को और ऊपर की ओर ले आएं अपनी ऊर्जा को महसूस करें कि वो और ऊपर की ओर उठ रहा है अपने पूरे ध्यान को अपने थ्रोट चक्र पे लगाएं जहां आपका थ्रोट चक्र होता है उस चक्र पे ले आएं एंड स्काई ब्लू कलर की कलर को इमेजिन करें जो आसमान का कलर होता है स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर उस कलर को इमेजिन करें या फिर आप आसमान को इमेजिन करें आकाश को इमेजिन करें ठीक है और इमेजिन अपने पूरे ध्यान को थ्रोट चक्र पे लगाएं जो श्वास आप ले रहे हैं उसकी कलर को इमेजिन करें कि वो स्काई ब्लू कलर की है जो श्वास आप छोड़ रहे हैं उसकी कलर को आप विजुअलाइज करें कि वो स्काई ब्लू कलर की है और अपने थ्रोट चक्र पे आप कोनो कोनो दे मेरे साथ कहें आउट लाउड आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब अपने ध्यान को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाएं अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और अपने थर्ड आई पे अपने इमोशन को अपने ध्यान को ले आएं थर्ड आई में अपने ध्यान को ले आए और अपने पूरे विजुअलाइजेशन को पूरे इमेजिनेशन को थर्ड आई में जोड़ दें और अब आपको इंडिगो कलर डीप ब्लू कलर का इमेजिनेशन करना है डीप ब्लू कलर का इमेजिनेशन आपको करना है डीप ब्लू कलर और अपने पूरे ध्यान को थर्ड आई चक्र पे ले आए और इमेजिन करें जो श्वास आप ले रहे हैं वो डीप ब्लू कलर की है इंडिगो कलर की है जो श्वास आप छोड़ रहे हैं उसमें इंडिगो कलर है और आप अपने थर्ड आई चक्र पे हो कोनो कोनो दें मेरे साथ कहें आउट लाउड आई लव यू आई एम सॉरी Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Great. बहुत अच्छा
अब हमारा सातवां चक्र अनाहत सहस्रार चक्र क्राउन चक्र पे अपना ध्यान लिया है, जो आपके एकदम टॉप ऑफ द हेड यानी आपके हेड की चांदी जहां हम कहते हैं उसके ऊपर। अब आपको पर्पल कलर, वायलेट कलर, गोल्डन कलर या व्हाइट कलर, तीनों में से जो कलर आपके पास ऑटोमेटिक आ रही है उसे देखने की कोशिश करें बंद आंख से। कौन सा कलर को आप विजुलाइज कर रहे हैं? व्हाइट, पर्पल, वायलेट, गोल्डन, जो भी कलर आ रही है उसे देखने की कोशिश करें। इसके सिवा जो भी कलर आ रही है उसको आने दें और जाने दें, आने दें और जाने दें। अगर आपको व्हाइट कलर दिख रही है तो उसे गौर से देखें, अगर आपको पर्पल कलर दिख रही है उसे गौर से देखें, अगर आपको वायलेट कलर दिख रही है तो उसे गौर से देखें, अगर आपको गोल्डन कलर दिख रही है गौर से देखें। अब आप जो श्वास ले रहे हैं ये आप अपने बॉडी से नहीं, ये आपके अपने पूरे सातों बॉडी से, आपका पूरा सातों बॉडी जो एक हमारे एक बॉडी के साथ बाकी जो छह बॉडीज होते हैं उन छह बॉडीज को इमेजिन करते हुए जस्ट इतना इमेजिन करें कि अब आप जो सांस ले रहे हैं ये आपके नाक से नहीं, पूरे बॉडी से हर एक एक रोम से आपके शरीर में सांस प्रवेश कर रही है और हर एक एक रोम रोम के रोम कूप से श्वास से बाहर जा रही है। जो कलर आपको दिख रहा है उसके साथ कनेक्ट हो जाएं और वो पुनः पुनः दें अपने क्राउन चक्र के लिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. ये हमारा क्राउन चक्र पे वो पुनः पुनः देना कंप्लीट हुआ। अब आप लोग एक परम शांति को महसूस कर रहे हैं, एक परम आनंद को आप महसूस कर रहे हैं, एक हल्कापन, एक ब्लैंकनेस, एक बिल्कुल जीरो स्टेट की आपको फीलिंग हो रही होगी। Just feel the emotion. Just express your gratitude for this emotion. Just कुछ देर अपने साथ इस emotion में रहें, खुद को इस emotion में छोड़ दें। कुछ देर के बाद normal हो। Hardly 5 to 10 seconds. Open your eyes. आप में से कितने लोगों को गोल्डन, व्हाइट एंड वायलेट या पर्पल कलर में से कोई भी कलर विजुलाइज हुआ, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों में से कोई ऐसे खास बंदे या खास पर्सन जरूर हैं
जिन्हें ये कलर्स क्राउन चक्रस के कलर्स इमेजिन होगा ही होगा. आई टोटली फेथ ऑन यूनिवर्स. ये क्राउन चक्रस के कलर हैं सारे गोल्डन वाइट पर्पल. और देखिए आप लोग कितना ब्लेस्ड हैं कि फाइनली आप लोग क्राउन चक्रस तक पहुंचे एंड सभी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मेंशन कर रहे हैं कि उन लोग कलर फील किए. ग्रेट. इसका मतलब है आप लोग एक चीज को फॉलो किए होंगे कि लास्ट टाइम में हमने ये नहीं बोला कि आप विजुअलाइज कीजिए. लास्ट टाइम में हमने ये बोला कि आप देखिए कौन सा कलर आपको दिखाया जा रहा है. छठा चक्र तक हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग विजुअलाइज करवा रहे थे कि जानबूझ के बोल रहे थे कि विजुअलाइज कीजिए राइट इस कलर को इस पेड़ को इस फ्रूट को इसके माध्यम से कलर को विजुअलाइज कीजिए. लेकिन छठे चक्र के बाद यानी सिक्स सेंटर के बाद जब सेवन सेंटर में हम लोग पहुंचे वहां पे हम लोग डिवाइन पे छोड़ दिया एंड हम लोग छोड़ दिए देखना देखने के लिए कि डिवाइन हमें इंस्पिरेशन देते या नहीं. तो जितने लोगों को कलर दिखा जितने लोगों ने मेंशन किया जिन लोगों को डबल कलर दिखा जैसे दीपी जी मेंशन करें व्हाइट एंड पर्पल दोनों कलर को उन्होंने ये किया एक्सपीरियंस किया मतलब ये इस बात को डिवाइन की तरफ से आप एविडेंस लें कि आप अपने सातों सेंटर्स के चक्रास को छठे चक्रास के सेंटर क्रॉस करते हुए आप फाइनली डिवाइन टच डिवाइन एक्सपीरियंस को आप लोगों ने किया. यानी अपने बॉडी में जो एनर्जी है इस बात का एविडेंस आपको मिल गया. आपके बॉडी में जो सेंटर है जो हम लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन जो अगर आपको कलर दिख गया है इसका मतलब ये है कि आप लोग सच में होनो के माध्यम से चक्र हीलिंग को आप लोगों ने किया और ये आप लोगों के लिए 100% सक्सेसफुल रहा. बिल्कुल इफेक्टिव रहा बिल्कुल पावरफुल रहा. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय के लिए. आप सभी से रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि कृपया अपने अनुभव को यहाँ शेयर करें या ना करें ग्रुप में शेयर करें या ना करें. जब ये वीडियो YouTube में डाली जाएगी तो आप लोग जरूर YouTube में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उस वीडियो को जो नए बंदे या नए सच नए इंसान देखेंगे तो उन्हें इतना आइडिया जरूर हो जाए इतना उन्हें हेल्प हो कि इस सेशन में इस वीडियो में क्या है. कोई भी इंसान एक घंटे के वीडियो को नहीं देखेगा जब तक आपका उनमें गाइडेंस ना हो आपका सपोर्ट ना हो. और आपका सपोर्ट है आपके तरफ से आपका कमेंट जो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है. आपका कमेंट हमारे लिए ग्रैटिट्यूड है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सेशन अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो कृपया प्लीज आप लोग सभी ये वीडियो जब डाल दिया जाएगा ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय ग्रुप एडमिन. आप लोग प्लीज ग्रुप में यूट्यूब में जाएं वीडियो को आप जितना बार देखेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे. और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि आप लोग को जो एक्सपीरियंस हुआ ये दूसरे लोगों के लिए एक वे क्रिएट होगा दूसरे लोगों के लिए एक हेल्पफुल माध्यम बनेगा आप लोगों की तरफ से. ओके तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आप सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. आज हम लोगों ने एक सेशन को अपने लेवल में कम्प्लीट किया. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच आवर डिवाइन. Thank you so much, each and every body cells in my body. Thank you, thank you, thank you so much. सभी से request है जितने हमारे general group के members हैं हमारे बाकी के members हैं हम लोग break ले रहे हैं 5 मिनट के लिए. 5 मिनट के बाद हम लोग prime session को continue करेंगे. Okay? Thank you so much. Hello.